हेलो एवरीवन, आज आपके साथ चैप्टर जो रिवीजन में है दैट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का चैप्टर ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर के रिवीजन को लेकर के आप लोगों की तरफ से मैक्सिमम रिक्वेस्ट आई थी, तो अकॉर्डिंगली इस चैप्टर के रिवीजन को मैं प्रायोरिटी बेसिस पर टेकअप कर रहा हूँ। चैप्टर ये हमेशा से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, पर इस कमिंग अटेम्प्ट के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। आप सभी को पता है कई सारी आरसीएम की एंट्रीज है जिसमें गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में अमेंडमेंट करी है। अच्छा, चैप्टर के लेवल की अगर बात करूं तो चैप्टर ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट ये एक लेंथी चैप्टर है और अक्सर बच्चा जब इस चैप्टर को हैंडल करता है तो काफी कंफ्यूजन भी फेस करता है। कंफ्यूजन का बड़ा सिंपल सा रीजन है, इसमें बहुत सारी रिवर्स चार्ज की एंट्री है। अलग अलग एंट्रीज में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी के पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने लेट डाउन किए हैं वो अलग अलग है, जिसकी वजह से बच्चा एज अ होल जब इस चैप्टर की पैकिंग अप करता है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से केस में कौन से पैरामीटर के बेस पर रिवर्स चार्ज जो था वो एप्लीकेबल कराया गया था। खैर, मेरा ये प्रयास रहेगा इस रिवीजन के लेक्चर में कि आपकी जनरली ये जो कंफ्यूजन होती है उन सभी कंफ्यूजन को जो है वो मैं दूर कर सकूं। रिवीजन मैं जो करूंगा वो कॉम्प्रिहेंसिव करूंगा, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट क्या है वहां से लेकर के इस रिवर्स चार्ज के कंसेप्ट के कहां कहां सिग्निफिकेंट कनेक्टिंग पॉइंट आते हैं वो सभी मैं आपको एज अ होल यहां पर रिवीजन में बोलूंगा। एंड साथ ही में रिवर्स चार्ज की एंट्री के साथ आपको कुछ एग्जम्पशन एंट्रीज भी पढ़नी होती है, इंटरलिंकिंग में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो जो इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन की एंट्रीज है इंटरलिंकिंग में वो भी जो होगा वो साथ ही में मैं रिवीजन में कवरअप करता हुआ चलूंगा। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन को। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट होता क्या है। तो रिवर्स चार्ज को जीएसटी के लॉ ने बड़ा सिंपल सा डिफाइन किया है, जब किसी सप्लाई ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सप्लायर से हटा करके रेसिपिएंट के ऊपर डाल दी जाती है, रेसिपिएंट को लायबल टू पे जीएसटी बना दिया जाता है, तो फिर इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, तो गवर्नमेंट का इसके पीछे थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। गवर्नमेंट कहती है जी, अगर कभी भी कोई सप्लाई ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हुई हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हुई हो, सप्लाई की एक्टिविटी हुई उसके ऊपर जीएसटी की लेवी और चार्ज आ गया। नॉर्मली हम उस चार्ज को जो है वो सप्लायर से कलेक्ट करते हैं, पर अगर किसी पर्टिकुलर केस में हमें यह लगता है कि सप्लायर से जीएसटी कलेक्ट करने की बजाय अगर रेसिपिएंट से वो जीएसटी कलेक्ट किया जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस गवर्नमेंट को देगा। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट उस सप्लाई ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में जो है वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर देती है, वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स या इस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, हम जो होगा वो रेसिपिएंट से जो होगा वो कलेक्ट करेंगे। अब जिस रेसिपिएंट के ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा, अब उस रेसिपिएंट को ये ध्यान में रखना है उसके लिए वैसे तो ये इसकी इनवर्ट सप्लाई है, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लायबल बना दिया है तो उसे अपनी इनवर्ट सप्लाई का जीएसटी भी जो होगा वो गवर्नमेंट को जो होगा वो पे करना है। वो हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन हो, वो खुद कोई सप्लाई करता हो, उसका जीएसटी तो वो जो दे रहा होगा दे ही रहा होगा, उसके अलावा अगर रिवर्स चार्ज है तो उसे अपनी इनवर्ट सप्लाई पर ये जो जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है इनपुट टैक्स लायबिलिटी, उसको ये भी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब रेसिपिएंट जिसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, जिसको पता है कि अब उसे गवर्नमेंट को ये पे करना है, तो उसे अगला पॉइंट जो ध्यान में रखना होगा वो ये ध्यान में रखना होगा कि उसे ये जो रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी है उसकी इनवर्ट सप्लाई की लायबिलिटी, उसके इनपुट टैक्स की लायबिलिटी ये गवर्नमेंट को देनी कब है। तो आप सभी जानते हैं जब भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को किस पॉइंट ऑफ टाइम पर पे करना है, तो उसके लिए जीएसटी के लॉ में हम पढ़ते हैं प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपको याद होगा, गुड्स के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से निकाली जाती है, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से निकाली जाती है। अब सेक्शन 12 एज वेल एज सेक्शन 13 दोनों ने ही स्पेसिफिक प्रोविजन लेट डाउन कर रखे हैं कि अगर कोई रेसिपिएंट आरसीएम की लायबिलिटी पे करेगा तो वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर पे करेगा, वो अपनी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेगा। गुड्स के लिए 12(3) बात करता है, सर्विसेज के लिए जो है वो सेक्शन 13(3) बात करता है। तो रेसिपिएंट को ये ध्यान में रखना है, देना है तो कब देना है, उसके लिए 12(3) एंड 13(3) जो होगा उसकी क्लैरिटी उसको होनी चाहिए। चलिए जी, अब उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जब 12(3) की अगर हम बात करेंगे तो 12(3) कहता है रेसिपिएंट अपनी आरसीएम लायबिलिटी ऑफ गुड्स को जब पे करेगा तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए वो तीन इवेंट देखेगा, उन तीन इवेंट में से जो भी इवेंट पहले हो रहा होगा वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। वो तीन इवेंट कौन से हैं, नंबर वन उसको वो गुड्स रिसीव कब हुए, नंबर टू उसने उस सप्लाई की पेमेंट कब करी, एंड नंबर थ्री ये जो सप्लाई उसकी आरसीएम वाली है इसके इनवॉइस को आए हुए 30 डेज कब एक्सपायर हो गए, कब 31st डे लग गया। अब ये जो तीन इवेंट होंगे इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, जो भी अर्लियर होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, और ये टाइम ऑफ सप्लाई जिस भी टैक्स पीरियड में फॉल कर रहा होगा, लेट्स सपोज ये जून के टैक्स पीरियड में फॉल कर रहा है, तो उसे अकॉर्डिंगली जून के टैक्स पीरियड में इस लायबिलिटी को जो होगा वो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सर्विसेज की अगर बात करें तो 13(3) ये कहता है जी आपको अपनी सर्विसेज की आरसीएम लायबिलिटी का टाइम ऑफ सप्लाई लेने के लिए दो इवेंट देखने हैं, जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। इवेंट क्या है, नंबर वन आप देखेंगे आपने उस सप्लाई की पेमेंट कब करी, एंड नंबर टू
आप ये देखेंगे कि वो जो सप्लाई आपने ली है उसके इनवॉइस को आए हुए 60 डेज कब एक्सपायर हो गए, कब 61st डे आ गया। अब इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस भी टैक्स पीरियड में फॉल करेगा आप उस टैक्स पीरियड में इस लायबिलिटी को जो होगा वो अकाउंट फॉर कर देंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इंटरलिंकिंग का ध्यान में रखिएगा, मैं सभी कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग में लेने की कोशिश करूंगा। अब जिस रेसिपिएंट के ऊपर ये लायबिलिटी आई उसको मैंने बता दिया किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करना है। अब यहां अगली बात और सुनिएगा, अब जिस रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आई वो रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर आरसीएम की लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पर आई तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको सिंपली क्या करना है, उसको टाइम ऑफ सप्लाई जिस टैक्स पीरियड में फॉल कर रही है उस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी पे करते टाइम उसे आरसीएम लायबिलिटी को भी पे कर देना है। जैसे लेट्स सपोज जून को लायबिलिटी अगर वो 20 जुलाई तक पे कर रहा है तो वो अपनी आरसीएम लायबिलिटी जो होगा वो 20 जुलाई तक जो होगा वो पे कर देगा। अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा तो अब ये ध्यान में रखिएगा, अगर जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है तो आप लोगों को रिकलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड भले ही हो लेकिन आरसीएम की लायबिलिटी अगर आ गई तो उसे उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कंपलसरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड। रजिस्टर्ड कराएगा, रजिस्टर्ड पर्सन बनेगा और फिर अकॉर्डिंगली टैक्स पीरियड में अकाउंट फॉर करते हुए उस लायबिलिटी को पे कर देगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे एग्जांपल में जिस रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आई वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जून के पीरियड में उसका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली 20 जुलाई को जो होगा इस टैक्स लायबिलिटी को जो होगा वो पे कर देगा। अच्छा, अब अगली बात यह ध्यान में रखनी है कि जब वो आरसीएम की लायबिलिटी को पे करेगा तो आरसीएम की लायबिलिटी इनपुट टैक्स लायबिलिटी होती है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली उसको ये जो भी जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है ये कैसे पे करनी है, ये पे करनी है कैश में, मतलब ई कैश लेजर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट जीएसटी के लॉ में जो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन है वो अलाउ किया जाता है ओनली एंड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आप जो सप्लाई कर रहे हो उस पर जो आउटपुट टैक्स है उसके लिए तो आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो, बट एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपके ऊपर अगर इनवर्ट सप्लाई की कोई लायबिलिटी आई वो आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उसको आप कभी भी क्रेडिट से पे नहीं कर सकते, वो आपको हर हालत में जो होगा वो ई कैश लेजर से जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। अगली बात, क्या पेमेंट के बाद, क्या इस लायबिलिटी की पेमेंट के बाद ये रजिस्टर्ड पर्सन इसका आईटीसी अवेल कर सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। लॉ ने क्लियर कट बोला है जी आपकी ये इनपुट टैक्स लायबिलिटी है आरसीएम की वजह से आपसे ले रहे हैं तो पे करो, बट पे करने के बाद आप इसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं अगर आप सेक्शन 16 जो कि क्रेडिट की एलिजिबिलिटी की शर्तें देता है वो सभी शर्तें जो है वो आप पूरी कर रहे हैं। लेट्स प्रिज्यूम ये पर्सन सभी शर्तें पूरी कर रहा है तो पेमेंट के बाद वो इसका आईटीसी भी जो है वो अवेल कर सकता है। अब यहां जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, अब इसका आईटीसी अवेल करने की जब बात आएगी, इसका आईटीसी अवेल करने की जब बात आएगी तो एक अक्सर क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये होगा, पेमेंट के बाद आईटीसी मिलता है, मैं पेमेंट कब कर रहा हूं 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई के बाद आईटीसी मिलेगा, तो जो आईटीसी मिलेगा वो मुझे जुलाई के पीरियड में अवेल करना है या मैं जून के पीरियड में ही अवेल कर सकता हूं। और इस बात को लेकर के गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे रखी है, आपने जून की लायबिलिटी 20 जुलाई को पे कर दी, अगर आप इसे पे कर रहे हो तो आप जिस टैक्स पीरियड के लिए लायबिलिटी पे कर रहे हो आप उसी टैक्स पीरियड में साइमल्टेनियसली जो है वो आईटीसी अवेल कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप जून के लिए जब इसे पे कर रहे हो तो साथ ही साथ एक हाथ पेमेंट करना और साथ ही साथ उसी महीने की रिटर्न में इस लायबिलिटी का जो होगा वो क्रेडिट भी जो होगा वो अवेल कर लेना। मतलब यहां दो काम जो होंगे वो साथ साथ चलेंगे, एक हाथ आप अपनी लायबिलिटी पे करोगे और दूसरे हाथ उसी रिटर्न में आप उसका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो आईटीसी भी जो होगा वो आप अवेल करोगे। कनेक्टिविटी ध्यान रखेंगे, यस। अगला एक और कनेक्टिंग प्रोविजन आपको बताता हूं, अब सुनिएगा। मान लीजिए आपने कोई सप्लाई ऑफ सर्विस ली जिसके ऊपर आरसीएम है, अब आरसीएम है आपने उसका निकाला टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए आप इन दोनों में से कोई लेते हैं। लेट्स सपोज आपने वो जो सप्लाई है आरसीएम वाली उसकी अभी पेमेंट नहीं करी पर इनवॉइस को आए हुए 60 डेज एक्सपायर हो गए तो 61 डेज के आते ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गया। लेट्स सपोज वो जून में अराइज हो गया, आप कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने जून में उसकी पेमेंट कर दी और पेमेंट करने के साथ ही जून में आपने उसका आईटीसी भी जो था वो अवेल कर लिया। अभी तक आपने इस सप्लाई की पेमेंट सप्लायर को नहीं करी है पर टाइम ऑफ सप्लाई आया तो आपने आरसीएम लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका आईटीसी ले लिया, सप्लायर को पेमेंट नहीं हुई। अब एक क्वेश्चन और रिकलेक्ट कराता हूं, आपको याद होगा आपने आईटीसी वाले चैप्टर में एक पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर आप सप्लायर से उधार पर माल लेते हैं तो आप उसका आईटीसी तभी अवेल कर सकते हैं, लेकिन 180 डेज में आपको यह मेक श्योर करना होता है कि आप सप्लायर को जो है वो पेमेंट कर दे। कितने लोगों को बात याद में आती है, उधार पे भी अगर आप कोई परचेज वगैरह करते हैं कोई सप्लाई लेते हैं तो आईटीसी आप ले सकते हैं, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉ ने कहा है कि आपको यह श्योर करना होगा उधार पर खरीदा आईटीसी तो अभी ले लो
लेकिन मेक श्योर विद इन 180 डेज जो है आप उसे पेमेंट कर दो अपने सप्लायर को। अगर नहीं पेमेंट करते हो तो 180 डेज जैसे ही एक्सपायर हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, आपको जो होगा वो अपना क्रेडिट जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। याद आता है सेक्शन 16(2) का प्रोविजो रेड विद रूल 37, ये कहता है 180 डेज में पेमेंट नहीं होगी तो फिर ITC रिवर्स करोगे, बाद में पेमेंट करोगे तो फिर बाद में रीअवेल करोगे। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये वाला जो 180 डेज वाला क्राइटेरिया होता है ये RCM वाले ITC के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मैंने कहा मेरी कोशिश ये रहेगी RCM जहां जहां भी सिग्निफिकेंट है वो सब बातें जो है वो आपको बता दूं। तो अब आपको रेसिपिएंट के एंगल से क्या क्या बातें RCM को लेकर के ध्यान में रखनी है कि रेसिपिएंट के ऊपर अगर RCM आएगा तो रेसिपिएंट उस RCM को कब पे करेगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई उसे क्लियर होना चाहिए 12(3) एंड 13(3). टाइम ऑफ सप्लाई जिस भी टैक्स पीरियड में फॉल करेगा उस टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करते टाइम वो अपना GST भर देगा कैश में, एंड साइमल्टेनियसली वो जो होगा उसका ITC उसी टैक्स पीरियड में अवेल करेगा। और ये जो अवेल कर लिया इसके ऊपर आगे कहीं 180 डेज उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये रेसिपिएंट के एंगल से सारी कनेक्टिंग बातें मैंने आपको बता दी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको सप्लायर के एंगल से बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस सप्लायर ने इस रेसिपिएंट को ये सप्लाई करी थी, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब उस सप्लायर के एंगल से क्योंकि उसकी सप्लाई के ऊपर RCM है तो उसे तो GST देना नहीं है, बिल्कुल नहीं देना है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा अब एक स्पेशल बात, उस सप्लायर के एंगल से GST के लॉ ने साथ में ये लिखा हुआ था ये जो RCM वाली सप्लाई है इसको सप्लायर के एंगल से एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होगा वो ट्रीट किया जाएगा। सप्लायर के एंगल से ये एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होगी वो ट्रीट की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो सप्लायर होगा वो इस सप्लाई के रिलेशन में जो होगा वो अपने ITC अवेल नहीं कर पाएगा। सेक्शन 17(3) ITC से रिलेटेड जो सेक्शन था याद है अपोर्शनमेंट वाला, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि RCM वाली सप्लाई जो होगी वो सप्लाई करने वाले व्यक्ति के लिए जो होगी वो एग्जेम्प्ट सप्लाई जैसी ट्रीट की जाएगी और उससे रिलेटेड उसे ITC नहीं मिलेंगे, उसको उससे रिलेटेड ITC अपोर्शन करके अपनी रिटर्न से बाहर करने पड़ेंगे। ये सप्लायर के एंगल से बात आ गई। आई होप द कनेक्टिंग पॉइंट्स आर क्लियर। चलिए जी, तो ये रिवर्स चार्ज क्या होता है और सप्लायर एंड रेसिपिएंट के एंगल से लिंकिंग के प्रोविजन मैंने आपको बोले। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास ये आता है, ये जो रिवर्स चार्ज है ये रिवर्स चार्ज क्रिएट कैसे होता है, इसके इनेबलिंग प्रोविजन हमारे पास कहाँ है। तो आपको याद रखना है रिवर्स चार्ज के इनेबलिंग प्रोविजन हमारे पास जो है वो दिए गए हैं सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4) ऑफ CGST एक्ट में, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इंटरस्टेट सप्लाई के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं सेक्शन 5(3) एंड सेक्शन 5(4) ऑफ सेक्शन 5(4) ऑफ IGST एक्ट। दो तरीके का रिवर्स चार्ज होता है, एक 9(3) एंड 5(3) से आएगा एंड दूसरा रिवर्स चार्ज होता है वो सेक्शन 9(4) एंड 5(4) से आता है। ठीक है जी, अब ये जो दो रिवर्स चार्ज है इन दोनों रिवर्स चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस की टेबल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया रिवर्स चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं आता, गवर्नमेंट इसे क्रिएट करती है। क्रिएट कैसे करती है, नोटिफाई करके जिस भी सप्लाई के रिस्पेक्ट में, गुड्स या सर्विस की जिस भी सप्लाई के रिस्पेक्ट में उन्हें लगता है रेसिपिएंट से कलेक्ट करना बेहतर होगा तो उसको नोटिफाई करके वो रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट करती है। जो पहला रिवर्स चार्ज है 9(3) 5(3) में जो कवर होता है, इसमें बेटा गुड्स एंड सर्विस नोटिफाई कर दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की सप्लाई के ऊपर हम RCM चाहते हैं। अच्छा, इस वाले रिवर्स चार्ज की खास बात यह होती है, इसमें रिवर्स चार्ज क्रिएट करते टाइम गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि सप्लाई करने वाला व्यक्ति GST में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। जिसको सप्लाई की जा रही है रेसिपिएंट वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस नहीं करती। 9(3) 5(3) में गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ ये रहता है कि हाँ ये पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है जिस पर हम रिवर्स चार्ज चाहते हैं, तो वो नोटिफिकेशन से उस गुड्स और सर्विस को बता देती है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये रिवर्स चार्ज क्रिएट कर देती है। इसके कंपैरिजन में जो दूसरा रिवर्स चार्ज है जो कि सेक्शन 9(4) ऑफ CGST एक्ट एंड 5(4) ऑफ IGST एक्ट के थ्रू क्रिएट होता है, उसमें गवर्नमेंट क्या काम करती है, उसमें जिस गुड्स और सर्विस पर उन्हें रिवर्स चार्ज क्रिएट करना होता है वो उसको नोटिफाई करती है। लेकिन वो साथ में इस बात को ध्यान में रखते हैं कि 9(4) 5(4) वाला रिवर्स चार्ज सिर्फ वहीं क्रिएट किया जाए जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड हो। प्लीज ध्यान में रखिएगा, यही डिफरेंस है इन दोनों रिवर्स चार्ज में। पहले वाले में सप्लायर और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ भी हो सकते हैं, बट जो दूसरे वाला रिवर्स चार्ज है उसमें सप्लायर मस्ट बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन में भी वो फर्दर नोटिफाइड कैटेगरी का होना चाहिए तभी ये सेकंड वाला रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट किया जाता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला रिवर्स चार्ज है इसको लेकर के गवर्नमेंट ने आज की डेट में एक ही नोटिफिकेशन इशू कर रखा है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, और वो रियल एस्टेट सेक्टर का डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में कर रखा है, ऑलरेडी वो अपलोड हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट बनते हैं
टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन वगैरह सब कुछ, वो सब उस लेक्चर में जो है वो कवर्ड है। तो इसका डिस्कशन जो होगा वो आप वहां से देखेंगे। वैसे आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से एग्जामिनेशन में जो सिलेबस में रखा गया है वो 9.3 और 5.3 वाला जो है वो रखा गया है, 9.4 5.4 वाला जो है वो नहीं रखा गया है। तो हमारा फोकस एरिया 9.3 5.3 वाला रहेगा। अब 9.3 और 5.3 वाला जो रिवर्स चार्ज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, एंड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। गवर्नमेंट को उन बातों से कोई सरोकार नहीं होता, गवर्नमेंट का बेसिक फोकस होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर सप्लाई है जिसके ऊपर हमें रिवर्स चार्ज चाहिए। अच्छा, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 9.3 5.3 में रिवर्स चार्ज क्रिएट किया और मैंने आपको बोला सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा और उसने आरसीएम वाली सप्लाई करी तो वो सप्लाई का कमर्शियल इनवॉइस काटेगा, बिकॉज वो टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी सप्लाई पर फिर भी गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो वो उसका जीएसटी इनवॉइस जो होगा वो जरूर रेस करेगा, वो उसका जीएसटी इनवॉइस जो होगा वो जरूर रेस करेगा। पर क्योंकि रिवर्स चार्ज है उसको गवर्नमेंट को नहीं देना, तो उस इनवॉइस में वो कोई जीएसटी रेसिपिएंट को जो होगा वो चार्ज नहीं करेगा, वो सिंपली अपनी सप्लाई का प्राइस लेगा, जीएसटी जो बनता होगा वो लिख करके बता देगा और कहेगा ये मैं आपसे ले नहीं रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, इसको आप डायरेक्टली जो होगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। अच्छा, रेसिपिएंट के एंगल से बात करूं तो रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ भी हो सकते हैं। बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो मैंने अभी आपको बताया अनरजिस्टर्ड है बट रिवर्स चार्ज आ गया, रिवर्स चार्ज आ गया गवर्नमेंट को पे करना है, तो क्या रजिस्ट्रेशन करा के ही पेमेंट होगी? आंसर इज यस, और ये रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 24 में। ऑन दी अदर एंड, अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली उसे क्या करना है, उसे अपनी जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो होगी वो सेम रजिस्ट्रेशन से जो है वो पे कर देनी है। अब एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब जब उसकी रिटर्न जाएगी तो इस रिटर्न में उसकी दो लायबिलिटी होंगी, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एक, ये जो सप्लाई कर रहा होगा उसका जीएसटी उसने दिया होगा, और दूसरा, ये जो इसने इनवर्ट सप्लाई ली है रिवर्स चार्ज वाली, इसका जीएसटी उसने दिया होगा। और इनवर्ट सप्लाई वाला जीएसटी जो वो पे करेगा, अभी आपको बोला, पे करने के साथ इसी रिटर्न में वो इसका आईटीसी भी जो होगा वो क्लेम कर लेगा, जो आईटीसी वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो इस रिटर्न में पे कर रहा है उसमें सेट ऑफ भी कर सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अच्छा, अब ये जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स चार्ज है इसमें से आपको दोहरा देता हूं, जो दूसरी कैटेगरी का रिवर्स चार्ज है 9.4 5.4 वाला, वो सिर्फ कब आता है? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि नोटिफाई किया गया है वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई लेता है। ये रियल एस्टेट सेक्टर में है, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसका डिस्कशन हम यहीं रोक के खत्म कर देते हैं। बात चलती है 9.3 5.3 वाला रिवर्स चार्ज, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपके पास आता है। इसमें अब जो भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है वो आपको पढ़ना है, वो जो है वो आपको पढ़ना है। अब इसमें से फर्दर आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आईसीआई ने एक सहूलियत क्या दी है, गुड्स जो भी नोटिफाई किए गए हैं उनको आपके सिलेबस में कवर नहीं किया गया है, हाँ सर्विसेज जो भी कवर की गई हैं उनको आपके सिलेबस में कवर किया गया है। तो जो सर्विसेज के रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है उसी को सिर्फ हमें जो है वो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, तो काम काफी ज्यादा आपका आसान हो जाता है। अब आगे जो डिस्कशन चलेगा वो आपके साथ चलेगा सर्विसेज के रिवर्स चार्ज का। आगे प्रोसीड करता हूं जी। अब ये जो 9.3 5.3 वाले रिवर्स चार्ज हैं, गुड्स वाला रिवर्स चार्ज जो है उसका नोटिफिकेशन आ रखा है वो नहीं पढ़ना है, बट सर्विसेज वाला जो रिवर्स चार्ज है उस नोटिफिकेशन को हमने पढ़ना है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, 9.3 में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर रिवर्स चार्ज होगा, उसका नोटिफिकेशन 13/2017 है, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। इंटर स्टेट सप्लाई में कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो 10/2017 है, नोटिफिकेशन अगेन यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। सर, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है और जो इंटर स्टेट सप्लाई का नोटिफिकेशन है, इनकी रिवर्स चार्ज एंट्री में कुछ फर्क है क्या? इन जनरल बात करूं तो नहीं है, प्लीज ध्यान में सुनिएगा। जो जो भी सर्विसेज इंट्रा स्टेट सप्लाई में रिवर्स चार्ज के दायरे में डाली गई थ्रू दिस नोटिफिकेशन, उन सभी सर्विसेज को इंटर स्टेट सप्लाई के केस में वो जो आईजीएसटी वाला नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा गया। पर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि इंट्रा स्टेट होती ही नहीं है, जो सिर्फ इंटर स्टेट होती है, लाइक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली एक्टिविटी,
तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली जो भी एक्टिविटी होती है वो कभी इंट्रा होती नहीं, वो सिर्फ इंटर ही होती है, तो उनसे रिलेटेड जो भी रिवर्स चार्ज क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन में जो होगा वो क्रिएट किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और अगली ऑब्वियसली बात सुनिएगा, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो उसमें रिवर्स चार्ज क्रिएट करने का क्वेश्चन ही नहीं आता बिकॉज रेसिपिएंट बाहर है, ठीक है ना, इंपोर्ट के केस में हाँ, लेकिन रिवर्स चार्ज क्रिएट करना होता है तो इस नोटिफिकेशन ने बेसिकली इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ एडिशनल रिवर्स चार्ज की एंट्री जो है वो दे रखी है। नोटिफिकेशन नंबर यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर, तो अकॉर्डिंगली हम नंबर की कोई बात नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन में बड़ी सारी एंट्रीज है, उन एंट्रीज नंबर को भी आपको याद नहीं रखना, आपको तो सिंपली ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके की सप्लाई ऑफ सर्विस है जिस पर रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट किया गया है। और उसको ईजी याद रखने के लिए मैंने कोशिश करी है कि आपको वो जो उन्होंने कवर किया है उनको ग्रुपिंग अप करके ये नेक्स्ट पेज पर प्रेजेंट किया है। अब मैंने इसमें क्या किया बेटा, जो भी उन्होंने सर्विस जो है आपके रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई करी है वो मैंने आपको सेक्टर वाइज ग्रुपिंग अप करके प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप इसे याद रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप इसे बेटर तरीके से याद रख पाएंगे और आपके भूल जाने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। तो ये जो चार्ट है ये हमारा बेस चार्ट रहेगा, इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है और इसके थ्रू आप काफी कुछ जो होगा वो रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से जो होगा वो समझ पाएंगे। तो इस चार्ट पर अब मेरी आपके साथ मेहनत स्टार्ट होती है, फोकस बढ़ा लीजिएगा, फुल अटेंशन जो होगा मुझे आप लोगों का चाहिए होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपने स्टार्ट का, रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज। देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है जिनको नोटिफाई किया गया फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज को लेकर के दो नोटिफिकेशन इशू किए हैं, एक किया है अंडर सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और दूसरा किया है सेक्शन 53 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 93 में जो नोटिफिकेशन इशू किया गया इसमें बहुत सारी एंट्रीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई किया गया है, जिनको मैंने यहां पर सेक्टर वाइज आप लोगों को प्रेजेंट करके दिया है। अब ये जो भी सर्विसेज यहां नोटिफाइड है उनकी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की जाएगी तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज इस नोटिफिकेशन से आएगा, पर अगर इन्हीं सर्विसेज की सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई की जाएगी तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज जो होगा वो सेक्शन 53 वाले नोटिफिकेशन से आएगा। कहने का मतलब ये है सेक्शन 53 वाले नोटिफिकेशन में ये सब एंट्री जो है वो एज इट इज कवर्ड है, बट इसके अलावा 53 वाले नोटिफिकेशन ने दो एडिशनल एंट्रीज भी कवर करी है फॉर इंटरनेशनल सप्लाई। वो जो दो एडिशनल एंट्रीज है उनको मैंने यहां पर आपको सेपरेटली जो है वो स्पेसिफाई करके दिया है। इन सभी एंट्रीज का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में करेंगे, पर उस डिस्कशन को करने से पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज का एक लॉजिक बेस्ड डिस्कशन जो है वो करना चाहता हूं। इस बेस्ड डिस्कशन को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर में जो अदरवाइज कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो नहीं होगी, आपको रिवर्स चार्ज की सभी एंट्रीज पढ़ने में वो डिस्कशन जो होगा वो मदद करेगा। ये डिस्कशन जो है ये रिवर्स चार्ज के लॉजिक से क्रिएटेड है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिवर्स चार्ज का मतलब होता है गवर्नमेंट रेसिपिएंट को लायबल बनाती है, और मैंने आपको ये बोला गवर्नमेंट सप्लायर की बजाय रेसिपिएंट को क्यों लायबल बनाती है, तो उसका रीजन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अगर किसी सप्लाई ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी बन रहा है गवर्नमेंट को यह लगता है सप्लायर की बजाय रेसिपिएंट से लेना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट होगा, तो फिर वो रिवर्स चार्ज लगा देती है, वो सर्विस को नोटिफाई करके रिवर्स चार्ज में ला देती है। अब किन पैरामीटर्स के बेस पर गवर्नमेंट को ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस फील होती है, उन पैरामीटर्स का बेसिक डिस्कशन जो है वो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। स्क्रीन पर जरा फोकस लीजिएगा, एक चार्ट बेस्ड डिस्कशन करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सप्लायर है इंडिया का, ये सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी करता है, इंडिया का है मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में है। अब ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी करता है ये जिन लोगों को करता है वो रेसिपिएंट इंडिया के भी हो सकते हैं और आउटसाइड इंडिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सप्लायर ने सप्लाई एक्टिविटी करी है रेसिपिएंट मे बी ऑफ आउटसाइड इंडिया और रेसिपिएंट मे बी ऑफ इंडिया। बड़ा सिंपल सा जरा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये सप्लायर बाहर वाले किसी व्यक्ति को सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी करता है तो गवर्नमेंट क्या कभी इस वाली सप्लाई की एक्टिविटी के ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट करना चाहेगी? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, गवर्नमेंट इस वाली एक्टिविटी के ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट करने का कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज का मतलब होगा रेसिपिएंट से कलेक्ट करना, रेसिपिएंट बाहर का है तो उससे तो जीएसटी कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो एक सिंपल सी फंडामेंटल बात आपने ध्यान में रख ली कि रेसिपिएंट अगर आउटसाइड इंडिया का होता है तो गवर्नमेंट कभी भी रिवर्स चार्ज क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, अगर रेसिपिएंट इंडिया का है, टैक्सेबल टेरिटरी का है, तो फिर गवर्नमेंट उससे कलेक्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट सिर्फ
तभी रिवर्स चार्ज क्रिएट करने की सोचेगी जब रेसिपिएंट जो है वो इंडिया का हो। ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल चलेगा, रिवर्स चार्ज सिर्फ तभी क्रिएट होगा जब रेसिपिएंट जो होगा वो इंडिया का हो, बात ध्यान में रहेगी। यस, चलिए जी थोड़ी सी इंटरलिंकिंग बढ़ाता हूं आपकी चीजों के लिए, ताकि एग्जाम में अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से हैंडल कर पाए। आप लोग जरा याद करिएगा, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालना सीखा था। अगर आपको याद हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकाला जाता है सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 13 के हिसाब से। आपको याद है अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के होते हैं तो सेक्शन 12 के हिसाब से पीएस निकाला जाता है, लेकिन अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से एक भी पार्टी बाहर की होती है तो फिर सेक्शन 13 के हिसाब से जो है वो पीओएस निकाला जाता है। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट में मैंने आपको मेंशन किया, इंडिया के सप्लायर ने इंडिया के रेसिपिएंट को सर्विस दी तो पीओएस जो होगा वो सेक्शन 12 के हिसाब से निकाला जाएगा, और अगर इसी सप्लायर ने बाहर वाले रेसिपिएंट को सर्विस दी तो फिर सेक्शन 13 के हिसाब से पीओएस निकाला जाएगा। कनेक्टिविटी में बढ़ा रहा हूं, सप्लायर बाहर के रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, मैंने आपको बताया यहां पर आरसीएम कभी भी नहीं होगा, यहां पर गवर्नमेंट नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म जो होगा वो अप्लाई कराएगी, जहां वो सप्लायर को ही लायबल रखेगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सप्लायर जब इस बाहर वाले को सर्विस देगा तो इस ट्रांजेक्शन का पीओएस जब वो सेक्शन 13 के हिसाब से निकालेगा तो पीओएस इंडिया के बाहर भी निकल सकता है, और कुछ सिचुएशन में ये पीओएस जो है वो इंडिया में भी निकल सकता है। आप जरा रिकलेक्ट करिएगा कि अगर इंडिया के सप्लायर ने बाहर के रेसिपिएंट को सर्विस दी एंड पीओएस बाहर निकल रहा है, मतलब सर्विस बाहर दी गई, तो आपको याद आता होगा उस केस में ये वाला सप्लाई ट्रांजेक्शन जो होगा ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और इसके ऊपर जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये जो सप्लायर है उसको कुछ पे करने की जरूरत ही अराइज नहीं होगी। पर अगर इसी सप्लायर ने बाहर वाले रेसिपिएंट को सर्विस दी बट सर्विस इंडिया में दी, तब ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, इसके ऊपर जीएसटी जो होगा वो पेबल रहेगा, और क्योंकि रिवर्स चार्ज का यहां क्वेश्चन आता ही नहीं है तो ये जीएसटी लायबिलिटी जो होगा वो ये सप्लायर जो होगा वो ये पे करेगा। आई होप बात आपको समझ में आती है, ये लेग आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। अब अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा हो इंडियन रेसिपिएंट को, अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा हो इंडियन रेसिपिएंट को, तो अब जरा इस वाले ट्रांजेक्शन पर फोकस लाते हैं। अब सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, ट्रांजेक्शन हुआ है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जीएसटी की लायबिलिटी आई है। अब गवर्नमेंट को यह सोचना है कि इस वाले केस में नॉर्मल चार्ज लगाते हुए सप्लायर से कलेक्ट करे या रिवर्स चार्ज यहां क्रिएट कर दे और रेसिपिएंट से जो है वो कलेक्ट करे। तो ध्यान में रखिएगा यहां दोनों पार्टी इंडिया की है, तो उस एंगल से बात करें तो दोनों में से किसी से भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट अब ये इवेल्युएट करेगी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन में बेटर कलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सप्लायर से कलेक्ट करना कन्वीनियंट रहेगा तो नॉर्मल चार्ज छोड़ देगी, और अगर उन्हें लगेगा नहीं नहीं रेसिपिएंट से कलेक्ट करना बेटर होगा तो फिर वो जो होगा वो रिवर्स चार्ज नोटिफाई करके जो होगी वो क्रिएट कर देगी। अब सुनिएगा इंडियन रेसिपिएंट के केस में गवर्नमेंट कैसे इवेल्युएट करती है कि रिवर्स चार्ज क्रिएट करना है या फिर नहीं करना। बात बड़ी आसानी सी है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब कभी रेसिपिएंट इंडिया का होता है, सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, और गवर्नमेंट ये इवेल्युएट करना चाहती है कि इस ट्रांजेक्शन पर रिवर्स चार्ज क्रिएट करे या फिर नहीं करे, तो अब जो थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट के माइंड में रहता है वो बड़ा सिंपल सा रहता है। गवर्नमेंट ये चेक करती है कि जो रेसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी है या फिर वो नॉन बिजनेस एंटिटी है, बेसिकली कोई हाउसहोल्ड एंटिटी है। सुन लीजिएगा जरा बेस कंसेप्ट को अच्छे से, जब कभी भी इंडिया का सप्लायर इंडिया के रेसिपिएंट को सप्लाई करता है तो रिवर्स चार्ज लगाना है या नहीं उसका इवेल्युएशन करते टाइम गवर्नमेंट सिंपल सा ये इवेल्युएट करती है कि जो रेसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी है या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी है। एंड अगर रेसिपिएंट नॉन बिजनेस एंटिटी होता है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा गवर्नमेंट उस सिचुएशन में कभी भी आरसीएम जो है वो क्रिएट नहीं करेगी। रेसिपिएंट नॉन बिजनेस एंटिटी हाउसहोल्ड एंटिटी होगा तो कभी भी गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज क्रिएट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर रेसिपिएंट हाउसहोल्ड एंटिटी है, लाइक कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसहोल्ड एंटिटी है, कोई हाउसहोल्ड लेडी है, तो रिवर्स चार्ज क्रिएट करके उससे जीएसटी कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए आसान काम नहीं होगा। बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि नॉन बिजनेस एंटिटी हाउसहोल्ड एंटिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी वो रजिस्ट्रेशन करा के पे करते, रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस कर ले, वो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट करना होगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आपको सभी एंट्रीज में ये नजर आएगा कि नॉन बिजनेस एंटिटी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कहीं रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं किया है। गवर्नमेंट ने कभी भी रिवर्स चार्ज अगर क्रिएट किया तो वो सिर्फ तब किया जब रेसिपिएंट जो इंडिया का है वो है बिजनेस एंटिटी, भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो भले ही वो अनरजिस्टर्ड हो, पर वो बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। इस डायग्राम से मैं आपको दो बातें समझा गया हूं। नंबर वन, रेसिपिएंट बाहर का होगा तो कभी रिवर्स चार्ज नहीं क्रिएट किया जाएगा, रेसिपिएंट इंडिया का होगा सिर्फ तभी रिवर्स चार्ज क्रिएट किया जाएगा, और इंडिया वाले केस में रिवर्स चार्ज सिर्फ तभी क्रिएट किया जाएगा जब रेसिपिएंट होगा बिजनेस एंटिटी, हाउस होल्ड एंटिटी के केस में कभी भी रिवर्स चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब एक कंसेप्चुअल डिस्कशन और देखना है। अभी हमने आपके साथ बातें करी थी सप्लायर के एंगल से, अब मैं बातों का नजरिया आपके साथ चेंज कर रहा हूं और अब मैं आपके साथ बातें करूंगा रेसिपिएंट के एंगल से। थोड़ा और अलर्ट हो जाइएगा बेटा, जस्ट लाइक कि मैंने आपको बताया कि सप्लायर जब सप्लाई करेगा तो वो इंडिया में भी कर सकता है और आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है। तो अब अगर रेसिपिएंट के एंगल से मैं बात करूं, एक रेसिपिएंट है जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस लेनी है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस लेने के लिए इंडिया वाले किसी से भी ले सकता है और बाहर वाले किसी से भी ले सकता है। तो जरा आप डायग्राम के इस पहलू पर नजर डालते हैं। मान लीजिए रेसिपिएंट है और उसके पास दो चॉइस है, वो इंडिया वाले से भी ले सकता है और वो बाहर वाले से भी ले सकता है। एंड इंडिया वाले से लेगा तो उस सप्लाई ट्रांजेक्शन का पीओएस सेक्शन 12 से आएगा, और अगर बाहर वाले से लेगा तो उस सप्लाई ट्रांजेक्शन का पीओएस जो होगा वो सेक्शन 13 से आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो रेसिपिएंट है ये इंडियन सप्लायर से लेता है तो रिवर्स चार्ज का इवैल्यूएशन मैंने आपको यहां बता ही दिया। अब मैं आपके ऊपर फोकस जो लेकर के आ रहा हूं वो ये आ रहा है कि अगर ये जो रेसिपिएंट है ये बाहर वाले किसी से सप्लाई ऑफ सर्विस लेता है तो फिर रिवर्स चार्ज के एंगल से गवर्नमेंट सोचेगी या नहीं सोचेगी? तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब बाहर वाला कोई सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस की सप्लाई करेगा तो इस सप्लाई ऑफ सर्विस का सबसे पहले आपको देखना होगा पीओएस। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अब जब पीओएस आप देखेंगे तो सेक्शन 13 के हिसाब से जब आप पीओएस निकालेंगे तो वो पीओएस इंडिया में भी निकल सकता है और वो पीओएस जो है वो बाहर भी निकल सकता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आपकी सिचुएशन ये होगी कि बाहर वाला कोई सप्लायर इंडिया के रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है लेकिन उस सप्लाई का पीओएस बाहर है, मतलब उसने इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस तो दी है लेकिन उसने सर्विस जो है वो बाहर ही दी है, तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा ये वाली सिचुएशन जो होती है, इस वाली सिचुएशन में जो सप्लाई होती है वो ना ही इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्वालिफाई होती है और ना ही वो इंटर स्टेट सप्लाई में क्वालिफाई होती है। कहने का मतलब इस तरीके की सप्लाई एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी का चार्ज आता ही नहीं है, और क्योंकि चार्ज आता ही नहीं है तो नॉर्मल चार्ज या रिवर्स चार्ज उसका क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। इस वाले केस में चार्ज आता ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर वाला व्यक्ति इंडियन रेसिपिएंट को इंडिया में सप्लाई कर रहा होता है तो फिर ये कहानी आपकी बन जाती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जीएसटी में किसको बोला जाता है? जब बाहर वाला सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को इंडिया में सर्विस दे, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जो है वो आईजीएसटी की लेवी जो है वो आती है, और क्योंकि आईजीएसटी की लेवी चार्ज आती है तो अब गवर्नमेंट को ये सोचना है कि यहां ये जो लेवी आई है, ये जो चार्ज आया है, ये चार्ज नॉर्मल चार्ज में सप्लायर से कलेक्ट किया जाए या रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट से कलेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से आंसर बड़ा सिंपल है, सप्लायर क्योंकि बाहर का है तो उससे कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट वाले केस में क्या रिवर्स चार्ज क्रिएट कर देगी? यस। देखिएगा, ध्यान रखना कितना आसान हो जाएगा, सब कुछ इकट्ठा जोड़ रहा हूं फिर भी आपको ये बातें ध्यान रखी जाएंगी। अब अगर सप्लायर बाहर का होगा, दोहरा देता हूं, बाहर वाले सप्लायर ने इंडियन रेसिपिएंट को बाहर सर्विस दी तो चार्ज आया ही नहीं तो नॉर्मल या फॉरवर्ड का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, पर अगर वो इंडिया में सर्विस देगा तो चार्ज आएगा, और यहां गवर्नमेंट जो होगा वो रिवर्स चार्ज लगाना पसंद करेगी बिकॉज बाहर वाले से कलेक्ट करना जो है वो मुश्किल है, इंडिया वाले रेसिपिएंट से कलेक्ट करना जो है वो आसान है। तो यहां पर जो होगा वो रिवर्स चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है और आईजीएसटी वाले नोटिफिकेशन के थ्रू ये रिवर्स चार्ज क्रिएट किया जाता है। अब लेकिन यहां पर एक और स्पेशल बात आपको बोलना चाहूंगा, जरा बात को ध्यान से सुनना, अभी बात सिंपल नहीं है, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। अब एक मेरी बात बताओ, बाहर वाला सप्लायर जब कभी इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस देगा, तो ये जो इंडियन रेसिपिएंट है, मैंने आपको क्या बताया, ये इंडियन रेसिपिएंट
ये बेटा आपका बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है और ये आपका नॉन बिजनेस एंटिटी बेसिकली हाउस होल्ड एंटिटी भी हो सकता है। अभी इसका इवेल्युएशन भी आपको करना है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिस व्यक्ति ने किया वो अगर बिजनेस एंटिटी है, दूसरा वो नॉन बिजनेस एंटिटी। आपको याद है इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमेशा सप्लाई होता है चाहे बिजनेस एंटिटी करे या नॉन बिजनेस एंटिटी करे। अब रिवर्स चार्ज के एंगल से जरा ध्यान से सोचिएगा, अगर जो रेसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज को लेकर के गवर्नमेंट को कोई सेकेंड थॉट लेना ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी पर तो वो बिल्कुल आसानी से रिवर्स चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर जो रेसिपिएंट जिसने ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है वो है नॉन बिजनेस एंटिटी, बेसिकली कोई हाउस होल्ड एंटिटी जो कि बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं, नॉन बिजनेस नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा अब रिवर्स चार्ज क्रिएट करने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड एंटिटी को अभी मैंने आपको सिखाया गवर्नमेंट कभी भी रिवर्स चार्ज के दायरे में ला करके परेशान नहीं करती है। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा अब गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम क्या आएगी नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में, नॉन बिजनेस एंटिटी हाउस होल्ड एंटिटी इनसे भी जीएसटी नहीं ले सकते और इधर ये जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया का है तो उससे भी जीएसटी नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट के पास दोधारी प्रॉब्लम है, सप्लायर से लेने में भी प्रॉब्लम है और रेसिपिएंट हाउस होल्ड एंटिटी है इससे लेने में भी प्रॉब्लम है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे? तो आपको यहां मैं याद कराना चाहता हूं ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का चार्ज था उसको एग्जेम्प्ट ही कर रखा है, जीएसटी का चार्ज जो है इसको एग्जेम्प्ट ही कर रखा है। याद आती है क्या आपको बात? जितनी बातें आप याद कर पाएंगे रिकलेक्ट कर पाएंगे उतनी ही कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन हो पाएगी। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना लो, गवर्नमेंट जो होगी वो हाउस होल्ड एंटिटी को कभी भी परेशान नहीं करेगी, नहीं तो ये बहुत विद्रोह जो होंगे वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिएट कर देंगे। अगर इंपोर्ट करने वाला हाउस होल्ड एंटिटी है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसने इंपोर्ट किया है तो उसको परेशान नहीं किया जा सकता, बाहर वाले सप्लायर से भी नहीं लिया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने थकार के मजबूरी में क्या किया, इस वाले चार्ज को एग्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने बोला जी हम कलेक्शन करेंगे ही नहीं, इसके लिए उन्होंने आईजीएसटी में एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आपने पढ़ा था 9/2017 आईटी रेट का नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने एग्जम्पशन इशू करी, एंट्री नंबर 10 है। जस्ट फॉर रिकलेक्शन अगर कोई मैच करना चाहता है तो उस एंट्री नंबर 10 के थ्रू जो है वो उन्होंने एग्जम्पशन जो थी वो इशू कर दी। अच्छा अब सुनिएगा, लेकिन लेकिन अभी एक पिक्चर और बाकी है बेटा। अब लेकिन उन्होंने कहा एक केस में जो होगा वो हम एग्जम्पशन इशू नहीं करेंगे, एक केस में जो होगा वो हम एग्जम्पशन इशू नहीं करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बात बोलने वाला हूं सुनिएगा। अब जिस केस में उन्होंने बोला हम एग्जम्पशन इशू नहीं करेंगे वो केस है बेटा ओआईडीएआर सर्विसेज का। बाहर वाला सप्लायर इंडिया में यहां किसी नॉन बिजनेस एंटिटी हाउस होल्ड एंटिटी को जो है वो ओआईडीआर अगर सर्विसेज देता है तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो ओआईडीआर सर्विसेज है, याद है ना आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस असेस और रिट्रीवल सर्विस, डिजिटल सर्विसेज बेसिकली जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा लीज आ रही है और आप भी एज अ स्टूडेंट वगैरह जो है वो नेटफ्लिक्स वगैरह से ओआईडीआर सर्विसेज वगैरह लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ओटीटी वगैरह ये सब ओआईडीआर सर्विसेज है। और गवर्नमेंट ने ये देखा कि ओआईडीआर सर्विसेज जो है इनके ऊपर जीएसटी हम एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहते क्योंकि यहां तो बहुत बड़ा रिवेन्यू पोटेंशियल इन्वॉल्व है। अब लेकिन एक बात समझिएगा, उन्होंने कहा कि ओआईडीआर सर्विसेज के ऊपर हम ये एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हाउस होल्ड एंटिटी से तो ले नहीं सकते, तो बेटा उन्होंने स्पेशल केस बनाया और उन्होंने बोला ओआईडीआर सर्विसेज का अगर इस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा तो हाउस होल्ड एंटिटी को हम परेशान नहीं करेंगे लेकिन सप्लायर को हम छोड़ेंगे नहीं, सप्लायर को जो होगा वो जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। सर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, कोई बात नहीं बेटा उन्होंने कहा, कोई बात नहीं वो आउटसाइड इंडिया है तो हम जीएसटी लेंगे। सर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आउटसाइड इंडिया है वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऐसा सिर्फ हमने नहीं कहा, वर्ल्ड वाइड यही प्रैक्टिस चलती है कि ओआईडीआर सर्विस अगर किसी भी कंट्री में दी जाती है, बाहर से भी दी जाती है, तो भी वो कंट्री बाहर वाले सप्लायर से जीएसटी लेती है। तो गवर्नमेंट ने उसी बात को पकड़ के बोला कि बाहर वाले सप्लायर से हम ओआईडीआर सर्विसेज के केस में तो हर हालत में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लेंगे। और आपको याद आता होगा आपने स्पेसिफिकली ओआईडीआर सर्विस का जब चैप्टर पढ़ाता तो वहां इस बात को एम्फेसिस देकर के मैंने आपको समझाया था, बाहर का सप्लायर अगर ओआईडीआर सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगा तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि बिजनेस एंटिटी पर तो नॉर्मल रिवर्स चार्ज आता है, लेकिन अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है जिसको जीएसटी की लैंग्वेज में बुलाया जाता है एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, याद करेंगे आप एनटीओआर,
OIDR सर्विस वाले जो उन्होंने प्रोविजन बनाए थे उसमें उन्होंने इस नॉन बिजनेस एंटिटी को एक स्पेशल नाम दे दिया था NTOR, आपको याद कराता हूं, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। जब इंडियन रेसिपिएंट जो होता है वो कोई गवर्नमेंट होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी होता है, या फिर इंडिविजुअल होता है, या कोई भी और अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है जो कि इस OIDR सर्विसेस को जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, अदर देन बिजनेस पर्पज जो है उसके लिए इंपोर्ट करता है, तो फिर उसको OIDR सर्विस के रिस्पेक्ट में NTOR के स्पेसिफिक नाम से जो है वो बुलाया जाता है। ये NTOR बेसिकली और कोई नहीं है, ये नॉन बिजनेस एंटिटी तो ही हो गई। NTOR की डेफिनेशन में जो भी लिखा है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल या अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो किस लिए ले रहे हैं? फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। और क्योंकि वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वो बेसिकली एज अ नॉन बिजनेस एंटिटी OIDR सर्विसेज को ले रहे हैं और उनको OIDR सर्विसेज के कंटेक्स्ट में नाम दिया जाता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और अब इसको लेकर के आपने जो जो स्पेशल प्रोविजन पड़े हुए थे मैं आपको रिकलेक्ट कराता हूं। नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ध्यान दीजिएगा, टोटल बात बोल रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस एंटिटी करेगी रिवर्स चार्ज आएगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी करेगी तो GST एग्जेम्प्ट है इन ऑल द केसेस, ओनली एक्सेप्शन इज OIDR सर्विसेज। एंड OIDR सर्विसेज के केस में हाउसहोल्ड एंटिटी को हम बुलाएंगे NTOR के नाम से, यहां GST एग्जेम्प्ट नहीं है, GST लिया जाएगा और जो फॉरेन सप्लायर है उसी से ये GST जो है वो लिया जाता है। और ये GST लेने के लिए इस फॉरेन सप्लायर को बोला जाता है कि आपको जो होगा वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। याद हो इसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। अब ये जो फॉरेन सप्लायर है OIDR सर्विसेज वाला, ध्यान में रखिएगा, OIDR सर्विसेज वाले के लिए बात कर रहा हूं, OIDR सर्विसेज का ये जो फॉरेन सप्लायर है, अब वो ये कहता है कि आपने इंडियन GST लॉ में तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट बताया है, अब मैं हूं फॉरेन में पर मैं इंडिया में हर स्टेट में सप्लाई करता हूं, हर स्टेट का बच्चा जो है आज की डेट में नेटफ्लिक्स देख रहा है, हर स्टेट का बच्चा ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, तो ठीक है चलो आपने मुझे लायबल बनाया, दुनिया लायबल बना आती है, मैं GST दे दूंगा, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन वाली बात तो क्लियर करो, क्या मैं आपके हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराऊं GST में जैसे आप स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, उससे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको जो होगा वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपको याद आना चाहिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए थे इनके लिए सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में, जिनमें कहा गया था कि आप थ्रू आउट इंडिया सप्लाई दे पर आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपके रजिस्ट्रेशन को इंडिया में बेंगलोर लेवल पर जो होगा वो हैंडल किया जाएगा। याद आती है? चलिए, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप GST पेमेंट करेंगे तो उसके लिए पोर्टल पर आएंगे। आप क्योंकि बाहर के हैं तो आपके पास कोई ITC वगैरह तो होंगे नहीं, तो आप अपनी GST लायबिलिटी जो होगा वो कैसे पे करेंगे? ई-कैश लेजर से। अब ई-कैश लेजर में आप पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे? आप याद करिएगा, इनको पैसा डिपॉजिट करने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई थी, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी और उसमें कहा गया था ये अपने ई-कैश लेजर में जो पैसा डिपॉजिट करेंगे उस पैसे को ये जो है ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। याद आना चाहिए आपके साथ, ठीक है? ये OIDR वाले चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी यहां पर। तो इसको सेक्शन 14 में कहा गया था सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर पेमेंट के लिए कैश डिपॉजिट करने में एक सहूलियत इसे पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में दी गई थी और कहा था ये IMT स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू करके अपने ई कैश लेजर में जो है वो डिपॉजिट कर सकता है अपनी इस लायबिलिटी को पे करने के लिए। फिर उसके बाद बात आएगी इसकी रिटर्न की, तो आप याद करेंगे इनकी रिटर्न, बेटा नॉर्मली हम सप्लायर से GSTR 1 एंड GSTR 3B भरवाते हैं, बट ये बाहर का सप्लायर है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ ये GST टाइमली पे कर दे, तो इसको हमने रिटर्न का सिस्टम भी जो है वो सिंप्लीफाइड रखा है। इनके लिए सेक्शन 39 में जो रिटर्न प्रेस्क्राइब की गई थी आपको याद होना चाहिए, वो बड़ी ही सिंप्लीफाइड रिटर्न थी GSTR 5A, जो कि इन्हें मंथली बेसिस पर जो है वो 20 तारीख तक जो है वो फाइल करनी होती है। ये सिंप्लीफाइड रिटर्न है, बहुत ही सिंगल पेज रिटर्न है और इनको एनुअल रिटर्न फाइलिंग से भी एग्जम्पशन जो है वो गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो बेटा टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ना था, OIDR वालों से उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दी, बाहर वाले सप्लायर लेकिन इजी कंप्लायंस कर पाए तो उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन करने को बोला गया, IMT से डिपॉजिट कर सकते हैं ई-कैश लेजर में और रिटर्न इनकी सिंप्लीफाइड GSTR 5A रखी गई है, एनुअल रिटर्न के पचड़े में इनको डाला ही नहीं गया है। तो आपके साथ मेरी ये एक रिवर्स चार्ज की एंट्री कंप्लीट हो गई इस डिस्कशन में, विच इज बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस एंटिटी हमेशा रिवर्स चार्ज आएगा, नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन इज OIDR, वहां फॉरेन सप्लायर से जो होगा वो GST लिया जाता है। आर यू ओके विद दिस? देखा आपको मैंने कहा था अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे तो कंसेप्ट भी बिल्डअप होंगे और आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिलेगा।
और अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार बात और बताता हूं, अभी जरा फोकस मत लूज करिएगा। अब एक स्पेशल बात जिसको बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैकल्टीज को डिस्कस नहीं करती है, तो इस बात को भी ध्यान से सुनो। अब बेटा ये हमारा डिस्कशन चेंज कर रहा हूं, फोकस लेकिन वही है कि हमारे पास सप्लायर है बाहर का, ठीक है। अब जो सप्लायर बाहर का है उसके एंगल से बात करो, सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का सप्लायर इंडिया के रेसिपिएंट को सप्लाई कर सकता है और बाहर वाले को, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए फॉरेन के सप्लायर के एंगल से सोचो, जो फॉरेन का सप्लायर है वो जो सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी दो लोगों को कर सकता है, एक बाहर ही किसी व्यक्ति को वो सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी कर दे और दूसरा वो इंडिया में किसी व्यक्ति को जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी कर दे, ठीक है। अब अगर ये जो फॉरेन का सप्लायर है ये इंडिया वाले को सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, सेक्शन 13 में पीओएस निकलेगा, अभी आपने रिवाइज किया, अगर पीओएस बाहर निकला तो यहां तो जीएसटी का चार्ज आता ही नहीं है, बट अगर पीओएस इंडिया में निकला तो फिर जीएसटी का चार्ज आता है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनता है और उसका आपने सारा डिस्कशन कर लिया, अब उसको साइड कर दीजिएगा। अब मैं स्पेशल बात आपको ये समझा रहा हूं, बाहर वाले व्यक्ति ने बाहर के किसी रेसिपिएंट को सप्लाई करी, बाहर के सप्लायर ने बाहर के किसी रेसिपिएंट को सप्लाई करी, अब इस सप्लाई ऑफ सर्विस का पीओएस आपको निकालना है। इसका पीओएस कहां निकालोगे, सेक्शन 12 में निकालोगे या सेक्शन 13 में निकालोगे? तो ध्यान में रखना सेक्शन 12 तो लग ही नहीं सकता, बिकॉज 12 कब लगता है, जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हो, यहां तो दोनों बाहर के हैं तो सेक्शन 12 नहीं लगेगा। सेक्शन 13 में इसका पीओएस निकलेगा, बिकॉज सेक्शन 13 के पीओएस निकालने के लिए सिंपल कंडीशन इज होती है आइदर सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, जिसमें बेसिकली अगर दोनों बाहर के होते हैं तो भी केस जो है वो कवर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत कम बच्चे जानते हैं, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों बाहर के हो तो भी सेक्शन 13 के हिसाब से जो है वो पीओएस निकाला जाता है। अब इस सप्लाई ट्रांजेक्शन में जब पीओएस निकाला जाएगा तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी आएंगी, ये पीओएस बाहर निकल सकता है और ये पीओएस जो है वो इंडिया में भी निकल सकता है। कहने का मतलब बाहर का सप्लायर बाहर के रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है और पीओएस के हिसाब से वो सर्विस बाहर ही दी, ऐसा भी केस बन सकता है, और वो सर्विस इंडिया में दी, ऐसा भी केस बन सकता है। अटेंशन बढ़ा लीजिएगा, अब अगर बाहर के सप्लायर ने बाहर के रेसिपिएंट को सर्विस दी और उसका पीओएस बाहर ही निकला, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा ये वाली जो सप्लाई होगी ये ना ही इंट्रा बनेगी ना ही ये इंटर बनेगी। इस वाले केस में सप्लायर भी बाहर का, रेसिपिएंट भी बाहर का और सप्लाई भी बाहर की गई है, तो डेफिनेटली इंडिया में इस सप्लाई ट्रांजैक्शन का कोई एक्सपेक्ट है ही नहीं, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी लायबिलिटी इंडिया में आ ही नहीं सकती। इस सप्लाई को आप चेक कर लेंगे, आपके सेक्शन 8 में ये इंटरस्टेट सप्लाई में भी कहीं फिट नहीं बैठती और सेक्शन 7 में ये इंटरस्टेट सप्लाई में भी कहीं फिट नहीं बैठती। कहने का मतलब इस वाली सप्लाई पर लेवी चार्ज आएगा ही नहीं, और जब लेवी और चार्ज आएगा ही नहीं तो नॉर्मल रखे या फिर रिवर्स चार्ज कर दे उसका क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर का सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को सप्लाई ऑफ सर्विस करता है और उसका पीओएस इंडिया में निकलता है, देन इन दैट सिचुएशन प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, अब इस केस में ये वाली जो सप्लाई होगी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो ये वाली सप्लाई आप थोड़ा सा मेहनत करके ध्यान रखना, ये वाली सप्लाई जो है ये हमारे जीएसटी लॉ के हिसाब से ये इंटरस्टेट सप्लाई जो सेक्शन 7 में डिफाइन की गई है उसमें फॉल कर जाएगी। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, आपका सेक्शन 75C ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है वो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो है वो कवर कर लेगा। सेक्शन 75C में सिंपली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सप्लाई इंट्रा या इंटर कुछ भी नहीं होती है लेकिन इंडिया में दी जाती है तो उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। और जैसे ही ये सप्लाई 75C में इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी तो बेटा इसके ऊपर जो होगा वो आईजीएसटी की लेवी आईजीएसटी का चार्ज जो होगा वो पिक्चर में आ जाएगा। और क्योंकि चार्ज पिक्चर में आ जाएगा तो अब गवर्नमेंट को यहां पर सोचना पड़ेगा कि वो यहां पर नॉर्मल चार्ज रखे या फिर रिवर्स चार्ज कर दे, ठीक है जी। तो फॉरेन के सप्लायर ने फॉरेन के रेसिपिएंट को सप्लाई दी है बट सप्लाई इंडिया में करके दी है तो फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। अब गवर्नमेंट इवेल्युएट कर रही है फॉरवर्ड चार्ज रखूं और सप्लायर से लूं या फिर रिवर्स चार्ज कर दूं और रेसिपिएंट से लूं, और आपका इसमें इंटेलिजेंट आंसर क्या होगा, सप्लायर भी बाहर का है तो उससे भी कलेक्ट करना मुश्किल है, रेसिपिएंट भी बाहर का है तो उससे भी कलेक्ट करना मुश्किल है। और बेटा जब दोनों एंड पे से कलेक्ट करना मुश्किल होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट थकार के उस चार्ज को क्योंकि कलेक्ट ही नहीं कर सकती तो उसको वो क्या कर देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है। तो आपको अगली लिंकिंग ये दे रहा हूं, इस वाले केस में भी गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली एग्जेम्प्शन का सहारा लिया।
कौन सी एग्जम्पशन? वही एग्जम्पशन बेटा जो मैंने आपको ऊपर मेंशन करी थी, 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट नोटिफिकेशन, उसकी एंट्री नंबर 10 में ही ये वाली बात भी लिखी हुई है कि बाहर का सप्लायर अगर बाहर के रेसिपिएंट को कोई सर्विस देता है तो वो सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो चार्ज से एग्जेम्प्ट कर दी है। लॉजिक ध्यान रख लोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके लिए दोनों में से किसी से भी कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। कहानी लेकिन खत्म नहीं हुई। इस एग्जम्पशन में भी एक एक्सेप्शन जो है वो गवर्नमेंट ने बना करके दिया है। इस एग्जम्पशन में भी गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन जो है वो बना करके दिया है। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझोगे तो आपकी एक एंट्री और कवर हो जाएगी। ठीक है जी, बाहर का सप्लायर बाहर वाले को इंडिया में सप्लाई करता है, नॉर्मली ऐसी सप्लाई जीएसटी से एग्जम्प्ट रहती है, बट इसमें एक एग्जम्पशन है और वो एग्जम्पशन है सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब ये क्या स्टोरी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम में थोड़ी सी बातें जो हैं वो मैं आपको क्रिएट करके देता हूं। एक बार के लिए ये जो मैंने लिखा था इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है ना, डिस्कशन में लिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, बाहर के रेसिपिएंट को बाहर वाला सप्लायर इंडिया में सर्विस देगा तो ये होगी इंटरस्टेट सप्लाई एज पर 75C, जिसके ऊपर आईजीएसटी का चार्ज आता है, लेकिन उस चार्ज को जो है वो गवर्नमेंट ने नॉर्मली जो है वो एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन एक केस में नहीं कर रखा। अब उस एक केस की डिटेल समझिएगा। अब वो केस हमारा क्या है, वो केस है अगर बाहर का जो सप्लायर है, ध्यान से सुनना, ये सबसे कंफ्यूजिंग एंट्री है जो बच्चों को परेशान करती है। अगर बाहर का जो सप्लायर है वो है कोई शिपिंग कंपनी, वो है कोई शिपिंग कंपनी, और वो जिस बाहर के रेसिपिएंट को सप्लाई ऑफ सर्विस करके दे रही है, वो रेसिपिएंट जो है वो है कोई बाहर का एक्सपोर्टर। तो मान लीजिए यूएसए की ये कोई शिपिंग कंपनी है, उसके पास यूएसए का कोई एक्सपोर्टर गया, और वो इसलिए गया कि उस एक्सपोर्टर ने इंडिया में किसी इंपोर्टर को गुड्स बेचे थे ऑन सीआईएफ बेसिस। ध्यान से सुनिएगा, यूएसए का कोई एक्सपोर्टर है, उसने इंडिया में किसी इंपोर्टर को गुड्स बेचे थे सीआईएफ बेसिस पर, और सीआईएफ बेसिस का मतलब उसने इंपोर्टर से प्राइस लिया था ये जिम्मेवारी लेते हुए कि वो जो होगा उसको गुड्स जो होगा वो इंडिया में उसके बताए गए कस्टम स्टेशन पर जो होगा वो भेज देगा। तो जब इस यूएसए के एक्सपोर्टर ने इस इंडियन इंपोर्टर को गुड्स बेचे सीआईएफ बेस पर, जिस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स इंडिया में भेजने की जिम्मेवारी एक्सपोर्टर की थी, तो वो ये जो एक्सपोर्टर था वो अब यूएसए में किसी शिपिंग कंपनी के पास गया और उस शिपिंग कंपनी से उसने कहा कि आपको हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करके देना है, और शिपिंग कंपनी अब क्या करेगी, यूएसए के एक्सपोर्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करके देगी, जिस प्रोसेस में वो इस एक्सपोर्टर के गुड्स यूएसए के पोर्ट से उठा करके इंडियन कस्टम स्टेशन पर जो होगा वो लेकर के जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, अब ये जो शिपिंग कंपनी है वो इसको सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, सी ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शन इज ओनली फॉर द सी ट्रांसपोर्टेशन, और नॉर्मली आप जानते हैं इंटरनेशनली सी ट्रांसपोर्टेशन ही ज्यादातर केसेस में होता है। तो अब बेटा जब सी ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, शिपिंग कंपनी बाहर के एक्सपोर्टर के लिए जब ये ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो पीओएस निकालेगी, मैंने आपको बताया सेक्शन 13 के हिसाब से, एंड सेक्शन 13 के हिसाब से फर्दर अगर डिटेल में जाऊं तो सेक्शन 13 में बहुत सारे सबसेक्शन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। सेक्शन 39 में जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो निकाला जाता है, एंड सेक्शन 39 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। और आप मुझे बताओ इस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहां है, ऑफ कोर्स कहां पर है, इंडिया में, क्योंकि एक्सपोर्टर ने क्या बोला है, गुड्स कहां लेकर के जाने हैं, इंडिया में। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, बाहर की शिपिंग कंपनी ने बाहर के एक्सपोर्टर के लिए जब ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी तो इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई निकला इंडिया में, और क्योंकि ये इंडिया में निकला तो अब मेरी कहानी को फिट कर दो। बाहर का सप्लायर, बाहर के एक्सपोर्टर, बाहर की शिपिंग कंपनी बाहर के एक्सपोर्टर, बाहर के रेसिपिएंट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रही है जिसका पीओएस इंडिया में है, तो अकॉर्डिंगली ये सेक्शन 75C के हिसाब से इंटरस्टेट सप्लाई बन जाता है।
ये सेक्शन 75C के हिसाब से इंटरस्टेट सप्लाई बन जाता है और इसके ऊपर आईजीएसटी का चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब सप्लायर भी बाहर का है, रेसिपिएंट भी बाहर का है, जीएसटी कलेक्ट करने में दोनों से ही प्रॉब्लम है। तो वैसे तो मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है, लेकिन उस एग्जम्पशन का एक्सेप्शन है ये ट्रांसपोर्टेशन वाली सिचुएशन, उस एग्जम्पशन का एक्सेप्शन है ये ट्रांसपोर्टेशन वाली सिचुएशन, प्लीज ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट को सी ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन और इससे बड़ा रिवेन्यू जो है वो मिल सकता है, तो गवर्नमेंट यहां पर जो है वो अपना जीएसटी एग्जम करने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने इस एग्जम्पशन की एंट्री में ये कह रखा है भाई ये वाला सी ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। अब एग्जम्प्ट नहीं होगा तो इसके ऊपर जो जीएसटी लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, प्रॉब्लम तो बरकरार है, सप्लायर भी बाहर का है और रेसिपिएंट भी बाहर का है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बेटा एक बहुत ही अजीब चीज करी, गवर्नमेंट ने कहा जी हमें जीएसटी चाहिए, हम एग्जम्पशन नहीं दे रहे। जहां तक बात आती है जीएसटी कलेक्ट करने की, तो उन्होंने बोला कि हम रिवर्स चार्ज में कलेक्ट करेंगे। लोगों ने बोला रिवर्स चार्ज में किससे कलेक्ट करोगे, रेसिपिएंट तो बाहर का है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम जो होगा वो बाहर वाले से तो कलेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो इंडियन इंपोर्टर ने ये सीआईएफ बेसिस पर गुड्स का इंपोर्ट किया है, हम उसको जो होगा वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल बना देंगे। और उन्होंने क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई थी तो सेक्शन 5(3) वाले नोटिफिकेशन में इस पॉइंट को कवर करते हुए कहा कि जो इंपोर्टर होगा वो इस ट्रांजेक्शन में जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, लेट मी रिपीट एंड कंक्लूड द थिंग, बाहर वाला सप्लायर बाहर के रेसिपिएंट को इंडिया में कभी भी सर्विस देता है तो बाय डिफॉल्ट ये आईजीएसटी का चार्ज अट्रैक्ट करती है। सब केसेस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बट सी ट्रांसपोर्टेशन के केस में एग्जेम्प्ट नहीं है। गवर्नमेंट को वहां रिवेन्यू बहुत दिखता था, अब लेकिन उन्होंने वहां एक अजीब चीज करी, आरसीएम तो क्रिएट किया बट आरसीएम में जो रेसिपिएंट बाहर वाला था उसको पकड़ने की बजाय इसने इंडिया में जिसको गुड्स बेचे थे आरसीएम में उसको जो है वो लायबल टू पे जीएसटी जो था वो ठहरा दिया। और ये आपकी एक सेकंड एंट्री जो है इंटरनेशनल एंट्री वो आपकी कवर हो जाती है। आर यू ओके विद दिस? तो आपको इस बेस डिस्कशन में मैंने दो इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो कवर कर दी, एक इंपोर्ट वाली एंट्री जिसमें बाहर का सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को इंडिया में सर्विस दे रहा है, और दूसरी ये वाली जिसमें बाहर का सप्लायर बाहर के रेसिपिएंट को इंडिया में जो है वो सर्विस दे रहा है। आर यू ओके विद दिस? चलिए अच्छा, यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देना चाहता हूं, वो अभी और ध्यान से सुनिएगा। अब जब इन्होंने इस वाले केस में आरसीएम क्रिएट किया और इस इंपोर्टर को जो है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल बना दिया, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने नोटिफिकेशन बना दिया, लिख दिया इंपोर्टर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा, लेकिन फॉर योर नॉलेज, अब ये जो इंडियन इंपोर्टर जिसको लायबल बना दिया गया था उसने अपनी इस जीएसटी लायबिलिटी के लिए जो था वो कोर्ट में जो था वो चैलेंज रेस किया। उन्होंने बोला जी इस शिपिंग कंपनी ने मुझे थोड़ी ना सर्विस दी है, इसको मैंने थोड़ी ना बुक किया है। वो ये कहता है कि अगर मैं जो है वो सामने वाले से एफओबी बेसिस पर खरीदता और मैं शिपिंग कंपनी से कहता तुम मेरे लिए गुड्स लेकर के आओ, तो फिर शिपिंग कंपनी और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता, वो सप्लायर होता और मैं रेसिपिएंट होता और इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता, मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज आता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो सीआईएफ बेसिस पर गुड्स खरीदे ही इसलिए थे बिकॉज मैं ये ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, तो शिपिंग कंपनी के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शिपिंग कंपनी ने जो सर्विस की सप्लाई करी है उसका रेसिपिएंट मैं नहीं हूं, उसका रेसिपिएंट तो ये बाहर वाला है, और क्योंकि ये बाहर वाला है तो रिवर्स चार्ज में उस बाहर वाले को पकड़ो, अगर पकड़ना चाहते भी हो तो मेरे को रिवर्स चार्ज में आप नहीं ला सकते बिकॉज मैं रेसिपिएंट नहीं हूं। उन्होंने इस बात पर इस आरसीएम की एंट्री को चैलेंज किया, गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में लिख दिया था इंपोर्टर लायबल है, बट इंपोर्टर ने इस एंट्री को कोर्ट में चैलेंज किया। एंड लेट मी टेल यू, कोर्ट में जब इन्होंने चैलेंज किया तो कोर्ट ने ये वाली आरसीएम की एंट्री को स्ट्रक डाउन कर दिया और उन्होंने बोला ये वाली आरसीएम की एंट्री जो है वो वैलिड नहीं है, ये वाली आरसीएम की एंट्री जो है वो वैलिड नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लेटेस्ट डिस्कशन आपको बोल रहा हूं, इस वाली एंट्री को कोर्ट ने जो है वो इनवैलिड कर दिया। उन्होंने बोला जी इंपोर्टर से जो है वो आप ये जीएसटी रिवर्स चार्ज में जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने इस एंट्री को इनवैलिड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया है, लेटेस्ट बता रहा हूं 2022 में इनवैलिड कर दिया है। आर यू ओके विद दिस? देखिएगा आप डिस्कशन के लिए मैं वापस आपके चार्ट पर आता हूं, ये जो दो स्पेशल केस मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वाले, यहां देखिएगा नंबर फर्स्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, बाहर का सप्लायर फॉरेन सप्लायर, हां जी
इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस देता है और हमने उसका रिवर्स चार्ज पूरा आपको क्रिएट कर दिया। यहां हमेशा रिवर्स चार्ज आता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ओआईडीआर सर्विस। और दूसरी एंट्री आपकी इंटरनेशनल ये है सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जिसमें सी ट्रांसपोर्टेशन करने वाला व्यक्ति बाहर का होता है और वो किसके लिए कर रहा होता है, बाहर के एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे रिवर्स चार्ज में रखा हुआ है और इंपोर्टर को जो है वो उन्होंने आरसीएम में जो है वो लायबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब पढ़िएगा जरा इस लेटेस्ट डिस्कशन को। लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इंपोर्टर ऑन दिस ओशन फ्रेट पेड बाय फॉरेन एक्सपोर्टर टू द फॉरेन शिपिंग कंपनी, इस पर लिटिगेशन था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को डिसाइड किया और इंपोर्टर के फेवर में डिसीजन आया है। इंपॉर्टेंट केस है मोहित मिनरल्स का। सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन था कि क्या इंडियन इंपोर्टर कैन बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ आईजीएसटी, किसके ऊपर, ऑन द कंपोनेंट ऑफ ओशन फ्रेट पेड बाय द फॉरेन सेलर टू द फॉरेन शिपिंग कंपनी और रिवर्स चार्ज बेसिस। और देखिएगा कोर्ट ने क्या बोला, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सीआईएफ बेसिस एंड इंडियन इंपोर्टर कैन नॉट ऑन आरसीएम बेसिस बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, मना कर दिया जी, इंपोर्टर के ऊपर यह बर्डन नहीं आ सकता। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने साथ में ये डिक्लेयर भी किया, एक इंस्ट्रक्शन भी इशू करी कि हम इसको आगे जो होगा वो चैलेंज नहीं करेंगे। मतलब वो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये एंट्री जो है वो वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंगली ये एंट्री जो है वो विड्रॉ कर ली जानी चाहिए। बट लेट मी टेल यू, आपके एग्जामिनेशन तक के ऊपर जो भी एप्लीकेबल अमेंडेड पोजीशन होते हैं उस टाइम तक इसका विड्रॉवल नहीं हुआ है, होना तो पक्का चाहिए, होगा भी लेकिन नहीं हुआ है। अब आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने जब इसका डिस्कशन किया है तो उसने इस पूरे डिस्कशन में इस जजमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर करके रखा है। अपने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में भी उन्होंने इस जजमेंट को जो है वो कवर नहीं किया है। अब क्योंकि उन्होंने कवर नहीं किया तो अकॉर्डिंगली आप बच्चों को भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इस जजमेंट को जो है वो इग्नोर करके जाना है। ये एंट्री वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड ठहराई जा चुकी है तो इंपोर्टर एक्चुअल में लायबल नहीं है, बट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप भूल जाओ कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डिस्कशन है। आप सिंपली एंट्री जो कह रही है उसको लिखो, या अगर आप नॉलेज दिखाने के लिए इस जजमेंट को लिखना चाहते हो तो फिर वो एडिशनल डिस्कशन के तौर पर ही आप आंसर में लिखना, या तो बिल्कुल इग्नोर कर देना या फिर एडिशनल के तौर पर लिखना। आई होप ये दोनों एडिशनल एंट्रीज जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। तो इसके साथ ये आपके आईजीएसटी की दोनों एडिशनल एंट्री जो हैं वो विद फुल लॉजिक कवर हो गई है। अब इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूं अदर एंट्रीज की, जिनको मैंने यहां पर सेक्टर वाइज ग्रुपिंग अप करके दिया है और जो इंट्रा एंड इंटर दोनों के लिए जो है वो कॉमन है। इसमें से अब पहला जो सेक्टर मैंने बनाया वो मैंने बनाया कैपिटल मार्केट सेक्टर मतलब सिक्योरिटी मार्केट। तो इससे रिलेटेड एक जो सर्विस आरसीएम में डाली गई है, दैट इज सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम ऑफ सेबी। इस वाली सर्विस ट्रांजेक्शन में बेटा उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास सिक्योरिटी है और वो अपनी सिक्योरिटी को किसी को उधार पर दे देता है, जिसने उधार पर लिया वो हमारा हो गया बोरोवर, ठीक है जी। तो एक लेंडर है जिसके पास सिक्योरिटी है, उसने क्या किया अपनी सिक्योरिटी की लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की एक्टिविटी इस पर्सन के लिए करके दी। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वैसे सिक्योरिटी ना तो गुड्स होती है ना ही सर्विस होती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं आता। पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी कभी हम कहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं आता तो वो जीएसटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पर नहीं आता, मतलब सिक्योरिटी की सेल परचेज पर नहीं आता, जो अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर जीएसटी आता है। तो अगर लेंडर ने बोरोवर को सिक्योरिटी लेंडिंग करी है तो इसमें सिक्योरिटी की सेल परचेज इन्वॉल्व नहीं है, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर रखा है। ये वाली एक्टिविटी जो होगी ये सप्लाई के दायरे में आएगी और क्योंकि यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स का काम हुआ नहीं है तो ये बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी है और इसके ऊपर हमने जो है वो आरसीएम क्रिएट किया है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसकी बात करूं तो यहां जो लेंडर होता है वो सिक्योरिटी जो उधार पर देता है वो सिक्योरिटी या तो उसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होती है या किसी दूसरे पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, बट ये ड्यूली ऑथराइज्ड होता है लैंड आउट करने के लिए। और कभी भी जब ये लेंडिंग की जाती है तो ये जनरली डायरेक्टली बोरोवर को नहीं की जाती, बीच में सेबी की तरफ से एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी होता है, सेबी की तरफ से अप्रूव्ड इंटरमीडियरी होता है उसको बीच में रख करके जो है वो लेंडिंग की जाती है। और इस इंटरमीडियरी का बेसिकली काम क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं है तो इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, तो ये इंटरमीडियरी बेसिकली वो ट्रस्ट को बिल्डअप करने का काम करता है।
ठीक है। प्रैक्टिकल अगर इसका एग्जांपल सुनना चाहते हो तो आप इसको ऐसे विजुलाइज करो बेटा, किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को विजुलाइज कर लो, उनका अपना बड़ा इंश्योरेंस फंड होता है जिसको वो सिक्योरिटीज परचेज करके इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेस। तो मान लीजिए उन्होंने सिक्योरिटी खरीदी हुई है 2-3 साल रखने के लिए, अब 2-3 साल वो सिक्योरिटी पड़ी हुई है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उन्हें अभी मतलब नहीं है, वो बाद में बेचेंगे तभी प्रॉफिट रियलाइज करेंगे। तो अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो सिक्योरिटी इनके पास पड़ी होती है उन सिक्योरिटी को, ठीक है, ये दूसरे को जो है वो उधार पर दे सकती है बाय यूजिंग दिस सर्विस ऑफ इंटरमीडियरी। और जिसको उधार पर दी जाएगी उससे जो है उस उधार पर देने के बदले में जो है वो फीस ले ली जाती है। अब ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है। और इसका लॉजिक ये है, क्योंकि ये लेंडर जब भी अपनी सिक्योरिटी उधार पर देना चाहता है तो ये सिंपली इस सेबी के इंटरमीडियरी को बता देता है कि मैं इतनी सिक्योरिटी उधार पर देना चाहता हूं, अब तुम जिसको चाहो उसको उधार पर दे दो, मुझे तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंडिंग फीस जो है वो दिला दो। तो बोरोवर कौन होता है उसके बारे में इस लेंडर को पता ही नहीं होता है, वो इंटरमीडियरी अपने हिसाब से सेलेक्ट करके बोरोवर को जो है वो लैंड आउट कर देता है और लेंडर को फीस दे देता है। अब क्योंकि लेंडर जो कि सप्लायर है इस सर्विस का, उसको पता ही नहीं होता कि बोरोवर कौन है, तो इस वजह से वो उस बोरोवर के ऊपर इनवॉइस भी जो है वो रेज नहीं कर सकता, बिकॉज बोरोवर की डिटेल ही उसके पास नहीं है। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करते हुए इसके ऊपर रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट कर दिया है और बोरोवर को जो है वो लायबल टू पे GST बना दिया है। होपफुली आपको ये बात समझ आ जाती है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड दो रिवर्स चार्ज की एंट्री क्रिएट की गई है। एक लॉन्ग टर्म लीज, जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी जमीन को लॉन्ग टर्म लीज 30 या उससे ज्यादा साल के लिए बेसिकली दे देता है किसी प्रमोटर को, एंड दूसरा जहां कोई व्यक्ति डेवलपमेंट राइट या फिर FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो किसी प्रमोटर को दे देता है। अच्छा, इन दोनों एंट्रीज के डिस्कशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जम्पशन एंट्रीज भी हैं, लेकिन इस रियल एस्टेट सेक्टर वाला डिस्कशन मैं इस लेक्चर में आपके साथ नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इसका ऑलरेडी सेपरेट डिस्कशन मैंने एक रियल एस्टेट सेक्टर की स्पेसिफिक वीडियो जो है वो बना करके YouTube पर डाली हुई है उसमें दिया हुआ है। तो इस वाले डिस्कशन को मैं यहां पर आपके साथ अवॉइड कर रहा हूं। उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल डिस्कशन RCM वाली एंट्रीज का भी एंड लिंकिंग में इन एग्जम्पशन वाली एंट्रीज का भी मिल जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं आगे। चलिए जी, जो नेक्स्ट रिवर्स चार्ज की एंट्री है, दैट इज सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस। इस एंट्री में आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, RCM जो क्रिएट किया गया है वो सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर क्रिएट किया गया है, ना कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के ऊपर। प्लीज ध्यान में रखिएगा, एडवर्टीजमेंट सर्विस की सप्लाई अगर किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो वहां कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, वहां पर सप्लायर ही GST जो होगा वो पे करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने किसी व्यक्ति को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है तो RCM जो होगा वो पिक्चर में आएगा। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस का कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा वो भी समझ लीजिएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस हमारे पास बेसिकली पिक्चर में आती है जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर कोई इवेंट कंडक्ट करता है और उस इवेंट से फंड रेज करने के पर्पज के लिए वो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है। वो सामने वाले व्यक्ति को ये कहता है कि आप अगर इस इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे देन आपका नाम हम अपने इवेंट के साथ जो होगा वो एसोसिएट करेंगे और हमारे इवेंट में मैसिव बड़ी संख्या में पब्लिक आएगी तो उससे आपको जो होगा वो प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा और उसके बदले में आपको इस इवेंट स्पॉन्सर करने का हमें पैसा जो होगा वो देना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है स्पॉन्सरशिप सर्विस का और इस तरीके की स्पॉन्सर सर्विस के ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान में रखेंगे, इस रिवर्स चार्ज को उन्होंने क्रिएट जब किया तो साथ में ये बोला कि स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज सिर्फ तभी पिक्चर में आएगा जब इस सर्विस का जो रेसिपिएंट होगा वो या तो कोई पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट। अगर रेसिपिएंट इन दोनों में से कोई होगा तो ही रिवर्स चार्ज पिक्चर में आएगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज जो होगा वो पिक्चर में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो सप्लायर है स्पॉन्सरशिप सर्विस का, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, वो कोई भी हो सकता है, उसके स्टेटस से आपको मतलब नहीं है कि वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, क्या है। लेकिन रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सिर्फ तभी RCM जो होगा वो पिक्चर में आएगा। अच्छा जी, और
पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को लेकर के भी आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर रखनी है, बिकॉज जीएसटी में जब भी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड मैं यूज करूंगा इस पूरे चैप्टर में, तो आपको उसकी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलना है। बात करता हूं सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की। तो बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान में सुनिएगा, यहां पर वर्ड जो यूज है वो कंपनी नहीं यूज है, यहां पर वर्ड यूज है बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में थोड़ा सा फर्क होता है, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पर सिर्फ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के अलावा भी बहुत सारी एंटिटी होती है। रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन है उसमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब स्पेसिफाई किया गया है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। आपका रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन ये कहता है जी बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिकली जो मतलब होगा ये वो मतलब होगा जो कि सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है। अब कंपनीज एक्ट के तो आप चैंपियन है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट करा देता हूं। सिंपल शब्दों में बॉडी कॉर्पोरेट होती है बेटा कोई भी एंटिटी जब किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एंटिटी जब किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है और उस एक्ट में जब वो इनकॉर्पोरेट की जाती है तो इनकॉर्पोरेशन से जब उस एंटिटी के पास कंपनी जैसे फीचर आ जाते हैं, मतलब उसकी एक अपनी सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाती है, लीगल एंटिटी, कॉमन सील्स वगैरह वाली फीचर उसमें आ जाती है, तो फिर उस एंटिटी को हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है जी, अब कंपनी कंपनी एक्ट में क्रिएट हुई वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, बट मैं क्या कह रहा हूं अगर कोई भी एंटिटी कंपनीज एक्ट में नहीं किसी और एक्ट में क्रिएट हुई, लेकिन जिस भी एक्ट में क्रिएट हुई उसके पास कंपनी जैसे फीचर आ गए, उसकी सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो गई, कॉमन सील जैसी फीचर आ गई, वो अपने नाम से स्यू कर सकती है, उसे उसके नाम से स्यू किया जा सकता है, ये सारी फीचर उसके पास आ गई, तो फिर वो एंटिटी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो बन जाती है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आप आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट में बना है और उसके पास बॉडी कॉर्पोरेट वाली फीचर होती है, कंपनी वाली फीचर होती है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सिमिलरली एसबीआई एसबीआई एक्ट में बना, एलआईसी एलआईसी एक्ट में बना, और इन सब के पास कंपनी जैसी फीचर होती है, तो ये सभी हमारे पास क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कभी भी किसी एंटिटी का आपको स्टेटस चेक करना हो कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं, तो आपको एक सिंपल सा टेस्ट बता रहा हूं, आप वो एंटिटी जिस एक्ट के तहत बनी है उस एक्ट को खोल लेना, अगर उसमें बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी जैसी फीचर होंगी तो उस एक्ट का एक स्पेसिफिक सेक्शन वो जरूर लिख करके ये कह रहा होगा कि इस एंटिटी में ये फीचर्स है। अगर ऐसा वहां कहा जा रहा है तो बेसिकली वो एंटिटी आपकी हो जाती है बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट जब भी होगी स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रही होगी तो फिर रिवर्स चार्ज जो होगा वो पिक्चर में आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, कंपनी नहीं लिखा, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, कंपनी एंड अदर एंटिटीज जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है रिवर्स चार्ज पिक्चर में आएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कंपनीज एक्ट कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में सभी एंटिटीज आ जाएंगी जिनके पास कंपनी जैसे फीचर हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो जो होंगी उनको स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। उनके पास वैसे फीचर होती है कंपनी जैसी, बट उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड रखा गया है, तो अकॉर्डिंगली वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी। उन्होंने अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ली तो फिर रिवर्स चार्ज जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपने सुना होगा पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं तो आपने एलएलपी भी सुना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये जो एलएलपी है ये जिस एक्ट के तहत बनती है उस एक्ट में लिखा गया है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन 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 जीएसटी की इस आरसीएम की एंट्री के पर्पस के लिए आप प्लीज ध्यान में रखेंगे एलएलपी जो होगी वैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन एलएलपी जो होगी वो आप बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेकर के चलेंगे। क्यों नहीं लेकर के चलेंगे? बिकॉज इस नोटिफिकेशन ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एलएलपी जो होगी वो पार्टनरशिप फर्म में कवर मानी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट से एक्सक्लूड की गई है, बट उसे पार्टनरशिप फर्म में जो है वो शामिल किया गया है। यहां मैं आपको नोटिफिकेशन का वो हिस्सा भी दिखा देता हूं, ये देखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म लिखा गया है, ये फॉर्म एंड रजिस्टर्ड होती है अंडर एलएलपी। ठीक है जी, इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म और फर्म, मतलब वैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट है बट आप इसे बॉडी कॉर्पोरेट में ट्रीट नहीं करेंगे, आप इसे एलएलपी में जो होगा वो ट्रीट करेंगे। तो अब आपसे मैं पूछूं, अगर किसी एलएलपी ने स्पॉन्सरशिप सर्विस ली तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पर भी रिवर्स चार्ज है तो यहां पर रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई एंट्रीज में पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी यूज हुआ उसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर कर देना है, एलएलपी भी बाहर कर देना है, ठीक है, और फर्म कहीं भी वर्ड यूज हुआ तो उसमें जो है वो एलएलपी को जो है वो कवर लेकर के चलना है। आर यू क्लियर एज टू दिस?
अच्छा जी, अब ये जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है इसमें भी एक एसोसिएटेड एग्जम्पशन एंट्री है, एंट्री नंबर 53। मैंने ये एंट्री यहां पर मेंशन तो कर दिया है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ रफली इतनी बात बोल रहा हूं कि कुछ स्पोर्ट्स इवेंट जब होंगे तो उनकी स्पॉन्सरशिप जो है वो कुछ केसेस में जो है इस एंट्री नंबर 53 में जो है वो एग्जेम्प्ट की गई है। आप इसे अपनी एग्जेम्पशन वाले से डिटेल में टैली कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन व्यू से जो है ये एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं रिवर्स चार्ज की नेक्स्ट एंट्री। अब इसका मैंने सेक्टर बनाया कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है ना। अब इसमें हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो रिवर्स चार्ज क्रिएट कर रही है ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान देंगे। हाँ जी, अब हमने डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है। तो कोई पर्सन डायरेक्टर है कंपनी में, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जैसे आरबीआई SBI, LIC वगैरह उसमें हो, तो जो भी डायरेक्टर होगा जो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा उसके ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है। अच्छा, ये जो डायरेक्टर वाली एंट्री है, अब इसमें आपको क्या स्पेशल बात ध्यान में रखनी है, जरा फोकस लीजिएगा। अब ये हमारे पास एक डायरेक्टर है, ये किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में डायरेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टर जो है वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो डायरेक्टर होते हैं आप जानते हैं डायरेक्टर की दो कैपेसिटी हो सकती है। नंबर वन, डायरेक्टर जो है वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट में होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, बेसिकली जो एम्प्लॉई के नेचर का होता है, या फिर वो अदर कैपेसिटी में हो सकता है नॉन एम्प्लॉई की कैपेसिटी में। आपको पता है डायरेक्टर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई। अच्छा, अब जो आपका डायरेक्टर एम्प्लॉई होगा वो अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा होगा तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन हो गया क्या, जिसमें एक एम्प्लॉई जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है। और आपको याद है ऐसे ट्रांजेक्शन को जीएसटी में सप्लाई से ही बाहर किया गया है, और अगर सप्लाई ही नहीं है, चार्ज ही नहीं आएगा, तो फिर रिवर्स चार्ज का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्टर जो है वो नॉन एम्प्लॉई डायरेक्टर है, डायरेक्टर एम्प्लॉई की कैपेसिटी में नहीं है, जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो उसने जो सर्विसेज दी है वो सप्लाई की एक्टिविटी में आएंगी, उसके ऊपर चार्ज आएगा, और इस एंट्री के थ्रू जो होगा वो रिवर्स चार्ज क्रिएट कर दिया गया है। अब सीबीआईसी ने इस एंट्री को लेकर के एक बड़ी क्लेरिफिकेशन इशू कर रखी है, जो हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ी थी, जरा मैं आपको बता रहा हूं। सीबीआईसी ने बोला जी अगर डायरेक्टर जो है वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है नॉन एम्प्लॉई कैपेसिटी वाला, तो वो जब कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा और वो रेमुनरेशन लेगा तो ये एक्टिविटी सप्लाई बनती है, इस पर जीएसटी का चार्ज आता है, आरसीएम की एंट्री अप्लाई होगी और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी वो पे करेगी। स्पेशल बात जो सर्कुलर कहता है वो कहता है कि अगर डायरेक्टर है एम्प्लॉई, तो सर्कुलर ने यहां पर एक बड़ी बात क्लैरिफाई करी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर डायरेक्टर है एम्प्लॉय तो सर्कुलर कहता है तब ये जो डायरेक्टर होगा इसको कंपनी से जो रेमुनरेशन दी जा रही है उस रेमुनरेशन को जो होगा वो ठीक से जो होगा वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टर एम्प्लॉई है लेकिन कंपनी जो इसे रेमुनरेशन दे रही है उस रेमुनरेशन में कंपनी इसे सैलरी भी दे रही है और सैलरी के अलावा कुछ अदर पेमेंट भी कर रही है। अब जो कंपनी इस एम्प्लॉई डायरेक्टर को सैलरी दे रही है, सैलरी पे करते टाइम कंपनी उसका सेक्शन 192 में टीडीएस काटेगी सैलरी वाला, लेकिन अगर वो किसको कुछ अदर पेमेंट कर रही है लाइक सिटिंग फीस वगैरह तो उसका टीडीएस जो होगा वो कंपनी सेक्शन 194 में काटेगी। तो अब सर्कुलर ये कहता है जस्ट बिकॉज कि सामने वाला पर्सन एम्प्लॉई है, आप स्ट्रेट अवे ये मत कह देना कि जीएसटी पिक्चर में आएगा ही नहीं। अब सामने वाला एम्प्लॉई है लेकिन कंपनी ने उसे रेमुनरेशन में जो पार्ट दिया अगर वो सैलरी के सेंस में दिया 192 का टीडीएस काट के दिया तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, वहां पर जीएसटी नहीं आएगा और आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन कंपनी ने अगर इस एम्प्लॉई डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन दी वो सैलरी की फॉर्म में नहीं, वो अदर पेमेंट्स की फॉर्म में दी जिसके ऊपर कंपनी ने सैलरी वाला नहीं अदर टीडीएस काटा, तो ये जो अदर पेमेंट्स की गई जिसका एक एग्जांपल है आपका सिटिंग फीस, ये डायरेक्टर को रेमुनरेशन के तौर पर दी गई है बट एज सैलरी नहीं दी गई है, तो ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं जाएगा, इस वाले के ऊपर जीएसटी आएगा और इसके ऊपर ये रिवर्स चार्ज की एंट्री अप्लाई होगी। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी उसको इस अदर पेमेंट के रिस्पेक्ट में जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम में जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए फिर उसके बाद अगली रिवर्स चार्ज की एंट्री की अगर बात करें तो वो हमारे पास आती है रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर, चलिए जी इंश्योरेंस सेक्टर के रिवर्स चार्ज को देखते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे पास दो रिवर्स चार्ज की एंट्री है।
अच्छा, अभी तक ये जो मैंने आपको सेक्टर स्पेसिफिक एंट्रीज ऊपर कवर करी है, इसमें से आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर वाली जो एंट्री है ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर की सर्विसेज के ऊपर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर से वो जो एम्प्लॉयड डायरेक्टर है उसकी रेमुनरेशन को लेकर के जो सर्कुलर ने क्लेरिफिकेशन दी है उस पर आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बढ़ाते हैं डिस्कशन को। इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे पास दो एंट्री है, इसमें से पहली एंट्री की अगर मैं आपको बात करूं तो पहली एंट्री रिवर्स चार्ज क्रिएट कर रही है ऑन सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरर। मतलब इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरर, जो इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली एंटिटी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, व्हाटसोएवर, उनको जो सर्विस देते हैं उसके ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को कौन सी सर्विस देते हैं, तो वो आप जानते हैं, ये बेसिकली इनको जो है वो कस्टमर ला करके देते हैं जिनके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इनको कमीशन देती है। इनकी सर्विस का नेचर क्या होता है, बेसिकली इंटरमीडियरी सर्विस। अब इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ये जो इंटरमीडियरी सर्विस दी और बदले में कमीशन रिसीव किया, उस सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट किया गया है। बोला गया है एजेंट जो होगा वो जीएसटी पे नहीं करेगा, जो इंश्योरर होगा, जो आगे इंश्योरेंस कंपनी होगी रेसिपिएंट, वो रिवर्स चार्ज में जो होगा वो जीएसटी पे करेगी। अपरेंटली ये एंट्री बड़ी सिंपल है, पर इसमें कुछ बात जो है वो आपको स्पेसिफिकली इंफोसिस से ध्यान में रखनी है, तो जरा टेंशन बढ़ा लीजिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम जाकर के थोड़ा डीपली झांकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास मान लीजिए कोई इंश्योरर है जो कि इंश्योरेंस के बिजनेस में है, मे बी लाइफ इंश्योरेंस, मे बी जनरल इंश्योरेंस। ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि मैक्सिमम कस्टमर इनके पास आए, ये बैक एंड पर किसी मिस्टर एक्स को एज एन इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप कस्टमर ला करके दोगे, जितने कस्टमर ला करके दोगे उसके हिसाब से आपको जो होगा हम आपकी इंटरमीडिएट सर्विस का कमीशन देंगे। अब हमने बोला यहाँ आरसीएम है इंश्योरेंस एजेंट पे नहीं करेगा, कंपनी जो होगी वो जीएसटी इस सर्विस के ऊपर पे करेगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जिस इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस के ऊपर आरसीएम क्रिएट किया गया है उस इंश्योरेंस एजेंट को आरसीएम की एंट्री ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस एजेंट का जो मतलब होगा वो मतलब वो होगा जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1948 में सेक्शन 210 में दिया गया है। और अगर हम सेक्शन 210 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में जाते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस एजेंट का मतलब बताया गया है, इंश्योरेंस एजेंट वो इंडिविजुअल पर्सन होगा जिसको लाइसेंस दिया गया है अंडर सेक्शन 42। कहने का मतलब बैक एंड पर हमारे पास कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसने इंश्योरेंस एजेंट का अंडर सेक्शन 42 में लाइसेंस ले रखा है, उसने इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को जो सर्विस दी उस सर्विस के ऊपर आरसीएम जो है वो क्रिएट किया गया है। सर इसमें हमें स्पेशल कुछ नहीं समझ आया, स्पेशल सुनिएगा, स्पेशल अब ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में एक स्पेशल बात है, सुनिएगा बेटा। अब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तरीके के एजेंट जो है वो अपॉइंट करती है। वो जब किसी इंडिविजुअल पर्सन को एजेंट अपॉइंट करती है तो उसको इंश्योरेंस एजेंट बुलाया जाता है इस सेक्टर में, और अगर वो किसी बैंक वगैरह को अपॉइंट करती है तो उसको कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो बुलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे बैंकों को भी पीछे बैकएंड पर अपॉइंट करती है कि आप जो होंगे अपने कस्टमर को हमारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ऑफर करिए और बदले में आपको जो होगा वो कमीशन मिलेगा। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपका अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट किया तो वो होता है इंश्योरेंस एजेंट और उसकी सर्विस पर आरसीएम है, ठीक है। आप इंश्योरेंस एजेंट जो काम करता है उसी काम को अगर इंश्योरेंस एजेंट इंडिविजुअल से ना करा के किसी कॉर्पोरेट एजेंट बैंक वगैरह से करवाते हैं उसको भी आप कमीशन देते हैं, सेम तरीके की सर्विस ले रहे हैं लेकिन उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं है। ये सिग्निफिकेंस है इस डेफिनेशन की कि सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट इंडिविजुअल बेसिकली जो होते हैं उनकी सर्विस पर आरसीएम है, कॉर्पोरेट एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को वही सर्विस दे रहे हैं बट वहां आरसीएम नहीं है, वहां नॉर्मल चार्ज लगेगा, वो कॉर्पोरेट एजेंट खुद जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। थोड़ा सा और आपकी नॉलेज के लिए जस्ट बता देता हूं इंश्योरेंस एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट में और क्या डिफरेंस होता है। इंश्योरेंस एजेंट एक तो मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल पर्सन होता है, दूसरा इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो
एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंपनी के लिए काम करता है। जैसे अगर मिस्टर एक्स एलआईसी का एजेंट है तो वो एलआईसी का ही एजेंट है। कॉर्पोरेट एजेंट की अगर बात करूं तो कॉर्पोरेट एजेंट में इंडिविजुअल नहीं, अदर एंटिटीज आती है लाइक बैंक। दूसरा, कॉर्पोरेट एजेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं करते, वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं। वो एलआईसी के लिए भी काम करेंगे, वो आईसीआईसीआई इंश्योरेंस के लिए भी काम करेंगे एंड सो ऑन। उनकी सर्विस पर आरसीएम नहीं है, प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। वैसे इस सेक्टर में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इंश्योरेंस ब्रोकर, और आप ध्यान में रखिएगा, इंश्योरेंस ब्रोकर की सर्विस के ऊपर भी कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है क्लैरिटी के लिए वो भी बता देता हूं। इंश्योरेंस ब्रोकर जो होता है ये इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम नहीं करता, ये जो है ये कस्टमर के बिहाफ पर काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो कस्टमर होता है वो इंश्योरेंस ब्रोकर को अपॉइंट करता है और कहता है कि मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तुम इवेल्युएट करके बेस्ट डील मेरी करा दो, बदले में अपनी सर्विसेज का पैसा ले लो। तो इंश्योरेंस ब्रोकर वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम ही नहीं करते, वो कस्टमर के बिहाफ पर काम करते हैं। ध्यान रखेंगे यहां भी कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, यहां भी नॉर्मल चार्ज चलेगा, वो ब्रोकर खुद ही जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। आई होप अब आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, अब इस सेक्टर में एक और बात सुनिएगा जो आपको नेक्स्ट रिवर्स चार्ज की एंट्री को समझने में मदद करेगा। आरबीआई ने रिसेंट में, अब खैर थोड़ा टाइम हो गया, बिल्कुल रिसेंट की तो बात नहीं है, आरबीआई ने जो था वो गवर्नमेंट ने एक ना थॉट प्रोसेस निकाला कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आपकी बैंकिंग सर्विस एंड इंश्योरेंस सर्विस जो है वो इंडिया में हर तबके के लोगों को जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। देखो, आप लोग शहरों में रहते हो, आपको आसानी से बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस मिल जाती है, बट रूरल पॉपुलेशन के बारे में सोचो, बैकवर्ड एरिया वाले पॉपुलेशन के बारे में सोचो, उनको अपना बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस जो है वो आसानी से नहीं मिलती। अब प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, वो ये चाहते हैं कि हर भारतीय जो है वो बैंकिंग चैनल में आ जाए, जिससे उसको फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो। तो उस सपने को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्शन दी कि आप जो होगा वो ये कोशिश करेंगे अपनी रीच को मैक्सिमम करने के लिए। अब वो रीच आप मैक्सिमम कैसे करोगे, देखो जनरल तरीका तो क्या होता है, अगर किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को अपना दायरा बढ़ाना हो बिजनेस ऑपरेशन का, तो वो क्या करती है, ब्रांचेस खोलती है। बट ब्रांचेस खोलने में जो है वो बैंक इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो अब क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो हर कंपनी जो है वो ब्रांचेस खोलने के लिए जो है वो इच्छुक नहीं होती, खासतौर से उन एरियाज में जहां से बिजनेस बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद ना हो। पर क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि हर भारतीय को बैंकिंग सर्विस इंश्योरेंस सर्विस दो स्टेप पर अवेलेबल होनी चाहिए, तो उन्होंने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि आप अपनी आउटरीच बढ़ाएं, और आपकी आउटरीच को बढ़ाने के लिए आपको बैंक खोलने की जरूरत नहीं है, हम आपको दो स्पेशल मॉडल दे रहे हैं, उन स्पेशल मॉडल के थ्रू जो है वो अपनी आप आउटरीच बढ़ा सकते हैं। वो स्पेशल मॉडल क्या है, वो स्पेशल मॉडल में से एक मॉडल बोला जाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल, और दूसरा मॉडल बोला जाता है बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। सर ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल में क्या होगा, बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो किसी एक एंटिटी को अपॉइंट करेगी एज इट्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, और वो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर कस्टमर को जो होगा वो रीच आउट करेगा। मतलब बैंकिंग कंपनी के डायरेक्ट एफर्ट्स नहीं लगेंगे, रेदर देन ये जो पर्सन अपॉइंट किया गया है, ये जो एंटिटी अपॉइंट की गई है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इसके एफर्ट्स जो होंगे लगेंगे, ये जा करके लोगों को डोर स्टेप पर जा करके उनको बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और उन प्रोडक्ट को लेने के लिए जो होगा वो प्रेरित करेगा। सिमिलरली हमारे पास एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर भी इन अ सेंस जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता है वही करता है, पर इसके काम का दायरा जो होता है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इसका मेन काम जो होता है वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है उसके काम में अवेयरनेस के अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज आ जाती है। यार बहुत ज्यादा डिटेल में इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप रिकलेक्ट कर ले कि हमारे पास ये दो मॉडल होते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन मॉडल्स को, जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया, इन मॉडल्स को यूज किया अपने कस्टमर की आउटरीच को बढ़ाने के लिए। अब ध्यान में रखिएगा, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर जो भी होते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, और कंपनी इन्हें इनकी सेवाओं के बदले में जो है वो पैसा देती है। कंपनी जो है वो इनकी सेवाओं के बदले में इन्हें पैसा देती है। अब इनकी जो सेवाएं इंश्योरेंस कंपनी को जाती है, ध्यान में रखेंगे, उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज में इन्हीं को जो है वो पे करना होता है। अब सुनिएगा लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस कंपनी जब इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर के पास जाती है,
अपनी आउटरीच को बढ़ाने के लिए। तो इन लोगों को वो क्या कहती है, आप जितने ज्यादा कस्टमर ला करके दोगे, जितने ज्यादा आप हमारे बिजनेस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको इनकम होगी। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये आगे फर्दर जो है कई सारे एजेंट्स को अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, और उनको कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ला करके दो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो इन्होंने एजेंट अपॉइंट किए, ये किनको सर्विस दे रहे हैं, ये इनको सर्विस दे रहे हैं। अब इसमें से आपको जो ध्यान में रखना है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट अपॉइंट करेगा, तो उसका एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा उसके ऊपर जो है वो आरसीएम है। बिजनेस फैसिलिटेटर के एजेंट के ऊपर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के एजेंट ने जो सर्विस अप्लाई करी उसके ऊपर आरसीएम है। ये आपको मैं एक स्पेशल बात बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, नॉर्मली ज्यादातर फैकल्टीज जब इसका डिस्कशन करती है तो इसका वो बैंकिंग सेक्टर में करती है, वो शायद ये प्रिज्यूम करके चलती है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में होते हैं। बट प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट नहीं करते, इनको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी अपॉइंट किया जाता है। इनफैक्ट एज अ प्रूफ मैं आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर की डेफिनेशन दिखा रहा हूं। हमारे पास एक एग्जम्पशन एंट्री है जिसमें इनके बारे में कुछ जिक्र है और वहां पर बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की डेफिनेशन दी गई है। ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन ये कहती है बिजनेस फैसिलिटेटर बीएफ या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी, इनका क्या मतलब होता है, ये होता है इंटरमीडियरी के तौर पर काम करता है, कमीशन बेस्ड इनकम कमाता है, अपॉइंट किया जाता है अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल और द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बाय आप बैंकिंग कंपनी और एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, ये इंटरमीडियरी है, लेकिन ये किस लेवल पर काम करते हैं, ये बैंकिंग कंपनी के लिए भी काम करते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी काम करते हैं। अब जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है, रिवर्स चार्ज की एंट्री ने एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपॉइंट किया, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट किया है। तो अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी ने अपॉइंट किया वहां भी रिवर्स चार्ज आएगा, और अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वहां भी रिवर्स चार्ज आएगा। होपफुली आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बेसिकली जो होगा, अगर आप समझ गए हो, तो ये एजेंट की सर्विस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, और इसने खुद जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी है उसके ऊपर ये एफसीएम में जो होगा वो पे करेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर की अगर बात करेंगे तो इसका एजेंट वो खुद पे करेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज नहीं है, और बिजनेस फैसिलिटेटर जो बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है उसके ऊपर ये जीएसटी पे करेगा। अच्छा, अब साथ में एक एग्जम्पशन की एंट्री भी है, उसे भी लिंक कर देता हूं। देयर इज एन एग्जम्पशन एंट्री, एंट्री नंबर 39, उसमें ये कहा गया है कि अगर ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर है या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, अगर इनको बैंक की किसी ब्रांच ने अपॉइंट किया और वो इंश्योरेंस कंपनी की किसी ब्रांच ने अपॉइंट किया और वो ब्रांच है रूरल एरिया में, तो फिर एग्जम्पशन इनकी सर्विसेज को मिलेगी। अच्छा, अब इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में भी हो सकती है, अर्बन एरिया में भी हो सकती है। आपको प्लीज इंफेसिस से जो ध्यान में रखना है, मैं बता रहा हूं कि अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस कंपनी की रूरल एरिया की ब्रांच से एसोसिएटेड है तो फिर एग्जम्पशन मिलेगी। बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल एरिया की ब्रांच से एसोसिएटेड है तो फिर एग्जम्पशन मिलेगी। अगर ये अर्बन एरिया की ब्रांच से एसोसिएटेड है तो फिर इनको अपनी सर्विसेज के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फिर तो जो होगा वो जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जो एग्जम्पशन है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस या बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस पर है, इन्होंने बैकएंड से जो एजेंट अपॉइंट किए हैं उनकी सर्विस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। आई होप ये मॉडल आपको जो है वो क्लियर होता है, इसको यहां ध्यान से याद रखिएगा, बिकॉज इन्हीं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर से रिलेटेड आरसीएम आपको बैंकिंग सेक्टर में भी दिखाई देगा। आता हूं मैं जरा वापस ऊपर, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड दो एंट्री थी, एजेंट वाली एंट्री हो गई, क्लियर कर दी, और जो एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो वाली एंट्री का भी डिस्कशन हो गया, और यहां साथ में एग्जम्पशन एंट्री 39 ने जो कहा है वो भी जो है वो मैंने मेंशन कर दिया, और 39 ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर
जो कि इंश्योरेंस कंपनी की रूरल एरिया की ब्रांच के लिए काम करते हैं, उसको एग्जेम्पशन दी है। चल सकता हूं जी आगे। चलिए नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास जो डिस्कशन में है, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिवर्स चार्ज की कई सारी एंट्रीज है, ध्यान देंगे आप। सर्विसेज सप्लाइड बाय, बहुत सारी एंट्रीज है। नंबर वन, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, रिकवरी एजेंट, डीएसए, इंडिविजुअल पर्सन एंड मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। इसमें से हम पहले फर्स्ट टू को पिकअप करते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा है। अब जो एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये किसको सर्विस दे रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा होगा। आरसीएम क्रिएट किया गया है, तो इस एजेंट ने जो सर्विस दी उसका जीएसटी जो होगा वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होगा वो पे करेगा। आर यू ओके विद दिस? जैसे इंश्योरेंस कंपनी के केस में था, सेम है। अच्छा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आगे किसको सर्विस देता है? बैंक को। ध्यान में रखिएगा, एजेंट ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो सर्विस दी वो आरसीएम में आ गई। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आगे जो बैंक को सर्विस दे रहा है वो जो होगी वो एफसीएम में ही रहेगी। और आप इसे ऐसे सिंपली ध्यान में रख ले, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर दो लाइबिलिटी है, अपनी सर्विस की भी और उसके एजेंट के सर्विस की भी। ओके, चलिए फिर उसके बाद अगली एंट्री आपके पास है, बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर ये किसको सर्विस देगा? यहां ध्यान रखिएगा, एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं, बिजनेस फैसिलिटेटर। तो बिजनेस फैसिलिटेटर किसको सर्विस देगा? डेफिनेटली ये बैंक को सर्विस देगा। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब ये बैंक को सर्विस देगा तो इस एंट्री ने आरसीएम क्रिएट कर रखा है, मतलब बैंक अपनी सर्विस का भी जीएसटी दे रहा होगा और बैंक जो होगा बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस का भी जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। यहां इंफेसिस रखिएगा, इंश्योरेंस सेक्टर के केस में सिर्फ एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमने डिस्कस किया था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में दो रिवर्स चार्ज आपको ध्यान में रखने हैं। एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो सर्विस देगा उस पर आरसीएम है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दो जीएसटी लाइबिलिटी पे करेगा, अपनी सर्विस की भी और एजेंट की सर्विस की भी। बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में उसके एजेंट पर आरसीएम नहीं है, बिजनेस फैसिलिटेटर खुद पर आरसीएम है। तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैकएंड पर कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा होगा तो यहां आरसीएम नहीं है, एजेंट खुद ही जो होगा एफसीएम में जो होगा उसकी लायबिलिटी पे करेगा। अच्छा, ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो इसको सिंपलिसिटी में बताऊं आप कैसे याद रख सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, इनका डिफरेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट थोड़ा बड़े लेवल का आदमी होता है क्योंकि ये ज्यादा काम करता है, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो कम काम करता है। बैंक बेसिकली उसको अवेयरनेस के पर्पस के लिए जो है वो अपॉइंट करता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर ड्यूअल बर्डन है, एजेंट का भी टैक्स दो और अपना भी टैक्स दो। बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, क्यों? क्योंकि बिजनेस फैसिलिटेटर को बैंकिंग सेक्टर में ना तो एजेंट का टैक्स देना, वो एजेंट खुद ही देगा, और उसने खुद जो सर्विस दी है उसका भी नहीं देना, उसका जो है वो बैंक को देना है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट का भी देगा और अपना भी देगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर कुछ भी नहीं देगा, एजेंट अपना खुद देंगे और बिजनेस फैसिलिटेटर का जो होगा वो बैंक देगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अलावा यहां पर भी एग्जम्पशन एंट्री 39 इंटरलिंकिंग में आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो एग्जम्पशन एंट्री 39 है ये क्या कहती है, सुनिएगा। ये जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, ये वैसी ही बात कहती है। ये कहती है कि अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर वो बैंक की उस ब्रांच के साथ है जो रूरल एरिया में है, ये अगर बैंक की रूरल एरिया वाली ब्रांच के साथ एसोसिएटेड है और उनको सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको ऊपर इंश्योरेंस के लिए बताया था। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक स्पेशल बात आप ये ध्यान में रखेंगे, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये कहा गया है कि ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये जो बैंक की रूरल ब्रांच को सर्विस देंगे वो एग्जेम्प्ट होगी, और अगर इन्होंने उस सर्विस को देने के लिए पीछे एजेंट अपॉइंट किए, पीछे एजेंट अपॉइंट किए, ठीक है, तो उन एजेंट ने जो इनको सर्विस दी है वो भी जो होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। कहने का मतलब यहां पर
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर की खुद की सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगी, और इन्होंने उस रूरल एरिया वाली ब्रांच को देने के लिए एजेंट वैकेंट पर जो अपॉइंट किए उनकी सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी। तो बेटा देखिएगा, इंश्योरेंस सेक्टर के केस में बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के कंसेप्ट को अलग तरीके से मैनेज से याद रखना होगा, और बैंकिंग सेक्टर के केस में आपको अलग तरीके से ध्यान में रखना होगा। बढ़ता हूं आगे, अब मैं बात करता हूं आपके पास रिकवरी एजेंट की। अब रिकवरी एजेंट को लेकर के रिवर्स चार्ज की एंट्री कहती है कि रिकवरी एजेंट जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देगा या एनबीएफसी को सर्विस देगा। यहां तीन बातें लिखी गई हैं, बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हो, या फिर एनबीएफसी को सर्विस दे रहे हो, तो फिर सर्विस के ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज आएगा। अच्छा, इसको हंसी मजाक के तौर पर याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई रिकवरी एजेंट ये क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, वसूली के लिए, लोन वगैरह जब लोग नहीं देते तो वसूली के लिए किए जाते हैं। अब ये दुनिया से वसूलते हैं, इनसे गवर्नमेंट कैसे वसूलती, दिक्कत आती तो गवर्नमेंट ने बोला चलो आपसे नहीं लेंगे, आपकी लायबिलिटी जो बनती होगी वो हम जो होगा वो रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी से लेंगे। सिंपल है, खैर एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगली रिवर्स चार्ज की एंट्री बैंकिंग सेक्टर की जो है वो बात करती है अबाउट डीएसए, डायरेक्ट सेल एसोसिएट। अब ये जो है ये अगर सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को, ध्यान दीजिएगा यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड नहीं है। मैं भी कई बार चैप्टर की रिवीजन करते टाइम दिक्कत में आ जाता हूं, क्यों, कहीं पर कुछ लिखा है कहीं पर कुछ लिखा है, पर बेटा मेहनत तो करनी है, दो चार बार बोल बोल के जब आप रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। रिकवरी एजेंट में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी सभी थे, बट डीएसए वाली सर्विस में जो है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी है। अब डीएसए डायरेक्ट सेल एसोसिएट, ये जनरली बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी जो है वो एसोसिएट करती है किस पर्पस के लिए, ये जो है ये इनके बिहाफ पर लोगों को जो है वो लोन लेने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। ठीक है जी। अब स्पेशल इस एंट्री में आपको यह ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्ट सेल एसोसिएट अपॉइंट किया गया है अगर वो इंडिविजुअल पर्सन होगा मिस्टर एक्स वाई जेड, तो ही रिवर्स चार्ज की एंट्री जो होगी वो अप्लाई होगी, और उस इंडिविजुअल पर्सन की बजाय सामने रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी पे करेगी। अगर जो डायरेक्ट सेल एसोसिएट अपॉइंट किया गया वो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं, वो कोई अदर बिजनेस एंटिटी है, लाइक कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर ये रिवर्स चार्ज की एंट्री जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी, तब उस एंटिटी को ही जो होगा वो जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। लास्ट आपकी बात आती है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। अब ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है, ये बेटा ये आरबीआई के द्वारा जो है वो अपॉइंट की जाती है। आरबीआई ने इस कमिटी को अपॉइंट किया था काफी साल पहले, पर्पस ये था कि इस कमिटी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। ठीक है ना, बैंक वालों ने लोन दे दिए थे बट वापसी नहीं मिल रही थी, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो बैंकिंग सेक्टर को उस प्रॉब्लम से निजात देने के लिए क्या बेस्ट नई टेक्निक अपनाई जानी चाहिए, उस पर्पस के लिए आरबीआई ने एक कमिटी बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था ओवरसीइंग कमिटी। ठीक है जी। अब ओवरसीइंग कमिटी के जो मेंबर्स हैं जो अपना टाइम देंगे उनको आरबीआई की तरफ से जो है उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है, और इनके ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज है। बोला गया है कि मेंबर्स जीएसटी नहीं देंगे, उनकी सर्विसेज के ऊपर आरबीआई जो होगा वो रिवर्स चार्ज में जो होगा वो जीएसटी पे करेगी। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन में एडिशनली एसोसिएटेड ये पूछ लेता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, आरबीआई जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है या फिर अनरजिस्टर्ड होती है, तो प्लीज जरा ध्यान रखना, आरबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, आरबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और आरबीआई एज अ बॉडी कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज देती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पहले आरबीआई जो भी सर्विसेज देती थी वो एग्जेम्प्ट थी, बट रिसेंट में ही आरबीआई की सर्विस पे से एग्जेम्प्शन हटा ली गई है, मतलब इसकी सर्विस पर जीएसटी लायबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से आरबीआई आज की डेट में रजिस्टर्ड पर्सन होगी, और ये रजिस्टर्ड पर्सन होगी तो फिर इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं है, ये वाला जो होगा जीएसटी आरसीएम में पे कर देंगे और आईटीसी जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग अवेल कर लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर की रिवर्स चार्ज की एंट्री कंप्लीट होती है, इसमें से मेन जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर की एंट्रीज है। अगला सेक्टर जो रिवर्स चार्ज का है वो है सिक्योरिटी सर्विसेज का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस रिवर्स चार्ज की एंट्री में कहा गया है कि
कि सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस जो किया जाएगा, क्या सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस जो किया जाएगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज जो है वो क्रिएट किया गया है। और यहां सिक्योरिटी सर्विस के आगे मैंने हाईलाइट करते हुए लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड सर्विस। ये मैंने क्यों लिखा है, देखो सिक्योरिटी सर्विस अगर कोई व्यक्ति दे रहा है और उसका देने का तरीका क्या है कि जिस पर्सन को वो सर्विस दे रहा है उसको वो सिक्योरिटी पर्सनल अवेलेबल करा देता है और उनके थ्रू सर्विसेज देता है, तो ये रिवर्स चार्ज की एंट्री पिक्चर में आएगी। बट अगर कोई पर्सन किसी एंटिटी को सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है बट उस सर्विस को देने के लिए वो उसको सिक्योरिटी पर्सनल नहीं देता, रेदर देन वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा करके अपने कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी सर्विस देता है, तो जो सर्विस सिक्योरिटी की दी जाएगी सिक्योरिटी पर्सनल के थ्रू नहीं अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सीसीटीवी वगैरह के थ्रू, तो वहां पर रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं है। इस वजह से मैंने यहां सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हाईलाइट करके लिखा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिक्योरिटी सर्विस जिसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दिए जाते हैं उनके थ्रू सिक्योरिटी दी जाती है, वहीं पर जो होगा वो रिवर्स चार्ज की एंट्री जो होगी वो अप्लाई होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है इस एंट्री में, खास बात ये है, वो ये कहते हैं ये जो सिक्योरिटी सर्विस है जो सिक्योरिटी पर्सनल्स के थ्रू दी जा रही है इस पर रिवर्स चार्ज आएगा, पर ये तब आएगा जब जो सप्लायर है, ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स चार्ज आएगा जब ये जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, रिवर्स चार्ज आएगा। बट अगर कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर रिवर्स चार्ज पिक्चर में नहीं आएगा। पहली तो यह बात ध्यान में रखनी है। और फर्दर ये कहते हैं रिवर्स चार्ज आने की एक और कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि ये सर्विस जिसको दी जा रही है वो रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जिसको दी जा रही है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए। तो इस सर्विस में ड्यूअल पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए एंड रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अच्छा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए भले ही वो एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, तब आपकी जो होगी वो आरसीएम की एंट्री जो होगी वो अप्लाई होगी। अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कहते हैं कि रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन अगर रेसिपिएंट जो है इन दो कैटेगरी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। अभी मैंने क्या बोला, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बट फिर उसमें एक प्रोविजन है जो वे कहते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन इन दो कैपेसिटी में रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम की एंट्री अप्लाई नहीं होगी। अब वो किस कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हो, नंबर वन वो ये कहते हैं अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है लेकिन वो एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम की एंट्री अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है लेकिन वो प्योर टैक्स डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है, प्योर टैक्स डिडक्टर, इस वर्ड को जरा समझना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टर क्या होते हैं वो आपको पता है, जीएसटी में जिन लोगों के ऊपर, हाँ जी, जिन लोगों के ऊपर अपनी इनवर्ड सप्लाई का टीडीएस कार्ड के डिपॉजिट करने की जिम्मेवारी होती है वो हमारे होते हैं टैक्स डिडक्टर। अब उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो तो टेक्निकल था, लेकिन मैंने यहां सिंपल किया प्योर टैक्स डिडक्टर। अब अगर कोई एंटिटी है जो प्योर टैक्स डिडक्टर के सेंस में रजिस्टर्ड है, मतलब वो खुद कोई सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस नहीं करती, वो खुद कोई सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस नहीं करती, वो सिर्फ इनवर्ड सप्लाई लेती है और उसके टीडीएस के रिस्पेक्ट को डिपॉजिट करने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो फिर ऐसी एंटिटी को मैंने नाम दे दिया सिंप्लिसिटी के लिए प्योर टैक्स डिडक्टर। तो अगर जो रेसिपिएंट है उसका आगे किसी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई का काम नहीं है, उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसने सिर्फ इनवर्ड सप्लाई पर टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ऐसे जो प्योर टैक्स डिडक्टर होंगे उनके ऊपर ये आरसीएम की एंट्री अप्लाई नहीं होगी। इसमें एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अब जो टैक्स डिडक्टर होते हैं वो भी कई कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जो
एक्सक्लूजन दिया गया है वो सिर्फ तीन कैटेगरी के प्योर टैक्स डिडक्टर को जो है वो दिया गया है, तीन कैटेगरी के प्योर टैक्स डिडक्टर को जो है वो दिया गया है। नंबर वन, ये सब अंदर भी आपको लिखे मिल जाएंगे। नंबर वन, अगर जो टैक्स डिडक्टर है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो। नंबर टू, अगर वो लोकल अथॉरिटी है तो। एंड नंबर थ्री, अगर वो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है तो। ये मैंने यहां इंफेसिस से इसलिए बोला है, आप जब अपना टीडीएस का चैप्टर रिकलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा जीएसटी में टीडीएस के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं वो बेसिकली 6 पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं। जीएसटी में टीडीएस के लिए 6 पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं, 3 तो ये, इसके अलावा 3 और पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं। याद आता हो आपको पीएसयू भी टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पीएसयू भी रिस्पॉन्सिबल होती है, सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है वो भी टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टोटल 6 पर्सन है, लेकिन जो एक्सक्लूजन दिया गया रिवर्स चार्ज की एंट्री से वो 6 को नहीं दिया गया, वो सिर्फ 3 को दिया गया है, सिर्फ ये 3 लोग, और वो भी तब जब ये सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हो, तो फिर आरसीएम की एंट्री इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया अब ये चैप्टर, अभी तक आसान चल रहा था लेकिन मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर और इस एंट्री के बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कोई बात नहीं, इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहां एग्जामिनर कई बार मजे लेने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सिक्योरिटी सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट सर्विस, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं और कहां पर रिवर्स चार्ज की एंट्री अप्लाई की गई है, लीगल सेक्टर। यार अभी इस लेक्चर में अपना डिस्कशन मैं यहीं पर रोक लेता हूं, क्योंकि आगे जो एंट्रीज हैं उनमें डिस्कशन थोड़ा ज्यादा है, तो उनको हम एक सेपरेट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी इतने तक आप रिवाइज करिएगा और दोहराऊंगा, अगर इस लेक्चर में मैंने आपका वैल्यू एडिशन किया, आपको इस लेक्चर में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो आपने पहली बार सुनी या पीछे सुनी थी लेकिन क्लियर नहीं थी, वो क्लियर हुई, तो प्लीज अपना फीडबैक इस लेक्चर के नीचे जरूर मेंशन करिएगा। चैनल वैसे हमारा आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, बट अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आपको अगर फायदा पहुंचा है तो आपकी ये जिम्मेवारी है, आपके थ्रू अदर्स लोगों में भी ये कम्युनिकेट जो है वो होना चाहिए, तो इसे सर्कुलेट कीजिएगा मैक्सिमम पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।